लोगों ने पहचानना शुरू किया, लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया. एक वो ही अच्छा ओ यू नो लाइक अब मेरा भी, बिकॉज पूरी जिंदगी हमने सिर्फ बाबा को देखा है जावे छेक जावे छेक जावे, अपना ओ वाओ बहुत ही अच्छी फीलिंग. अल्लाह का लाख लाख शुक्र है. कॉम्प्रोमाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए आप अपने एक सिबलिंग के साथ पूरी जिंदगी रहते हो, हंसी खुशी लड़ाइयाँ उनसे भी होती है, तो पार्टनर तो आप 24 घंटे साथ रह रहे हो, सो ऑफ कोर्स देयर विल बी हर्डल. इट्स जस्ट दैट कि आपने उसको पार किस तरह करना है. ही इज माय हस्बैंड, जिस कल्चर में हम रह रहे हैं उतना मुझे करना है नो मैटर व्हाट. मैं वो करती हूँ, मुझे 10 गुना ज्यादा मिलता है उसकी तरफ से. नेपोटिज्म पे तो अब जब आप लोगों से बात होती है तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम इस टॉपिक को छेड़ें. और मुश्किल था हमारे लिए इस इंडस्ट्री को भी प्रूव करना है, और फिर हमें अपने लोगों को भी प्रूफ करना है, हमने अपने आप को भी प्रूफ करना है, अपने फैमिली को भी प्रूफ करना है. You deserve to be here. That you deserve to be here. बाबा को से मैंने शर्त रखी थी कि शादी तभी करूंगी जब आप वापस आएंगे. That was my perfect timing. सही, आपको पता था क्या? मैंने कहा you have to come back. रुखसत तो मैं उसी घर में सारों के साथ होंगी. He came back. उसके 6 महीने बाद मेरी शादी हो गई तो मैं तो चली गई. तो वो लोग जो है एंजॉय कर रहे हैं. एंजॉय कर रहे हैं नहीं, लेकिन मैं जाती हूँ घर एंजॉय करने और करवाने. एयर होस्टेस ने कहा योर शहजादी मोहम्मद शेख. आज क्या शहजादी मोहम्मद शेख, मैं समझी सिर्फ बचपन में खत्म हो गया होगा. नो बट माय पासपोर्ट सेज इट ना, माय बर्थ सर्टिफिकेट सेज इट, सॉरी, और माय डॉक्यूमेंट सेज इट. यू आर शहजादी मोहम्मद शेख, ओनली ओनली फॉर फॉरेनर्स. ये तो मेरा नाम खुद ही मेरे. हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फ्यूचर मैगजीन. आज जो मेरी मेहमान है, वैसे तो और ड्रामे देख के भी लगता है बहुत सीरियस, बड़ी सोफिस्टिकेटेड एंड बड़ी संजीदा सी होंगी खातून, लेकिन वेरी बबली, वेरी टॉकेटिव. और जब मैं उनको देख रही थी शोज में तो मैंने कहा यार ये तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सनालिटी मुझे सामने नज़र आ रही है उनकी. बचपन से उनका नाम था शहजादी, स्कूल में एडमिशन होने तक शहजादी ही बुलाया जाता था उनको. और ट्रैवलिंग का बहुत शौक है उनके. आसपास के लोग कहते हैं इतने माइल्स हैं कि वो माइल्स पर ट्रैवल कर सकती हैं. और कज़न्स में वो डॉन के नाम से मशहूर हैं. अगर मैं ड्रामों की बात करूं तो मुश्क, सिलसिले, यारियां, और अभी रिसेंटली हमने दिल मोमिन, और आजकल हम उन्हें देख रहे हैं दरार में. यस, मैं बात कर रही हूँ सजल फ्रॉम दरार. सो एक तो दरार सही तरह बोला नहीं जाता मुझसे. हाँ. उनके साथ भी यही मसला है. तो मेरे साथ आज है मोमल शेख, तो उनसे मिलते हैं और कुछ बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सबसे पहले माइल्स की बात बताएं आप, ये आपको किसने बताया? सच है या नहीं सच है ये बताएं. ओह माय गॉड, इट सीम्स लाइक आपने मेरे किसी दोस्त से ये बात की है. शौकीन होता है ना, एंड व्हेन दे रियली वांट टू देन दे ट्राई टू के इधर से भी कर लो, उधर से भी कर लो, उधर से भी कर लो. तो फिर क्या आपका हमेशा ये होता है कि अच्छा यार अब मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो माइल्स ज्यादा ज्यादा? हाँ हाँ, क्योंकि वो एक चस्का होता है. हाँ, वो लग जाए तो फिर exactly, और फिर आप एक एयरलाइन के साथ स्टक भी होते स्टक भी होते हैं बिकॉज यू नो. तो फिर वो एयरलाइन वाले तो पहचानते होंगे आपको. पहले राबिया मुझे ये बताओ कि तुम्हें किसे बता. आई एम शॉक्ड राइट नाउ, आई कांट रिवील माय सोर्सेस, आई टोल्ड यू. ओह माय गॉड. अच्छा मुझे ये बताएं कभी अकेले ट्रैवल किया है? हाँ हाँ, आई मीन लाइक अकेले, नॉट बिजनेस. नो 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 नो, लाइक आई मीन यू टॉक अबाउट अगर काम काम के सिलसिले में नहीं किया हो तो अकेले के मैं चली जाऊँ बैकपैक एंड यू नो लाइक. नो 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 नो, आई कांट डू दैट. आई हैव टू बी अराउंड पीपल, आई कैन नॉट. क्योंकि आजकल वो बड़ी ये कॉन्वर्सेशन होती है ना कि अकेले ट्रैवल करना चाहिए, आप अपने आप को डिस्कवर करते हैं कभी कभी. इसलिए मैं वाज क्यूरियस कि अगर आपने किया तो एक्सपीरियंस शेयर करें, बिकॉज़ मैं कभी सोचती हूँ. लेटली ही मैं अपनी दोस्त से बात कर रही थी एंड आई वाज लाइक यार अकेले ट्रैवल करूंगी मैं एक दिन, यू नो लाइक बस बहुत हो गया. व्हेन यू आर इन दैट जोन राइट, कि आई वांट टू बी अलोन, मैं थक गई हूँ इस चीज से भी, थक गई हूँ इस चीज से भी, थक गई हूँ एंड यू नो लाइक एक आई नीड माई मी टाइम राइट. एंड आई गेस वो मुझे सिर्फ बिकॉज आई लाइक ट्रैवलिंग. किसी का होता है आई वॉन्ट टू बी अलोन एंड आई वॉन्ट टू रीड अ बुक, मीन्स कि मैं बुक पढ़ लूँ या मैं कहीं सालोन चली जाऊँ या मैं यू नो लाइक मी टाइम हर किसी का अपना होता है. मेरा होता है मैं ट्रैवलिंग पर चली जाऊँ. बट देन मेरी दोस्त ने कहा एक दिन देती हूँ 24 घंटे के बाद तुम फोन करके हमें बुला रही होगी कि आ जाओ कोई तो आ जाए. इज़ नोबडी टॉक. मुझे भी ऐसा ही लगता है आपको देख के, बट बिकॉज ट्रैवलिंग का इतना. अच्छा ट्रैवल इंसान को कैसे चेंज करता है? चेंज करता है, डेफिनेटली करता है, बिकॉज आपको एक एक्सप्लोर करते हो आप लोगों से मिलते हो,
आपकी नॉलेज बढ़ती है एंड यू गेट टू मीट पीपल एंड सबकी अपनी अपनी स्टोरीज होती हैं सबकी अपनी अपने एक्सपोजर बहुत अच्छा होता है ट्रैवलिंग से राइट सो इट्स नॉट जस्ट ओ आपने जाना है आपने शॉपिंग करनी है आपने खाना पीना और आ जाना है आई लाइक टॉकिंग टू पीपल अच्छा यू डू मैं तो मजाक शुरू कर देती हूँ या बिल्कुल के अच्छा ये है वो है इस तरह है उस तरह है यू नो या कोई फैन मिल जाए तो आप तो अब चाय पिलाने वाले हैं ना आज हमें इस तरह की बातें तो वो तो शुरू हो जाती नहीं अब तो खाना भी सो आप इतने लोगों से मिलते हो एंड आपका एक्सपोजर डेफिनेटली ये एक और इंटरेस्टिंग एंगल आप लोगों के साथ तो ये होता है कि जब आप लोग जाते हैं फैंस मिल गए Absolutely. So you can't even be in your like you know casual self ke bhai bahar bhi kahin koi na koi mil gaya to ab to main ho gayi hu you know pehle ek hota tha ki but then this is hum jo hain hum apne fans ki wajah se hain theek hai hum apna kaam kar rahe hain hame agar pasand kar rahe hain to wo log pasand kar rahe hain wo log dekh rahe hain udhar se viewership aa rahi hai to hame producers and directors cast kar rahe hain ye ek circle hai सो हमारे बॉस तो हमारे फैंस हैं राइट ट्रू तो उनको तो आप मना ही नहीं कर सकते पहली बात दूसरी बात ये कि जितने अच्छे इखलाक से आप मिलोगे तो मेरा तो एक पूरा वो गार्ड होने की बजाय मेरा ये होता है कि मैं 100% दूँ अपने के दैट यू नो किसी को कोई बुरा ना लगे एंड दे वर सैटिस्फाइड बाय मीटिंग यू बिकॉज मुझे याद है बचपन में हमें बड़ा शौक होता था शाहरुख खान से बस कहीं एक तस्वीर मिल जाए या यू नो लाइक इस तरह के बहुत आपके वो शौक होते थे मेरा बहुत शौक होता था आतिफ असलम मुझे यू नो लाइक आई वाज ह्यूज फैन आई एम स्टिल अ ह्यूज फैन एक सेल्फी मिल जाए यू नो लाइक ऑल दो मुझे पता था मैं दो मिनट में करवा सकती हूँ बाबा को फोन करूँगी बट नो वो चीज़ छोड़ के एज अ स्टूडेंट या एज अ लाइक फैन रियल फैन सो आई अंडरस्टैंड देयर फीलिंग सो डेफिनेटली एंड आई थिंक इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू डू दैट फॉर एनी एक्टर सेलिब्रिटी टू हैव दिस फीलिंग अबाउट फैंस बिकॉज मुझे लगता है कि वो फैंस की मासूम सी ख्वाहिशात होती है ना तो उनसे अगर आप अच्छे तरीके से मिल लेते हैं बस यही चाहिए उनको यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए यही चाहिए और वो इतना फर्क पड़ता है आपके इंप्रेशन के बारे में एज अ फैन मैं ये बता रही हूँ यू नो एब्सोल्युटली मुझे नहीं है कि वो आप वैसे क्या सोचेंगे कि बाद में वो क्या सोचेंगे या वो क्या स्टोरी ये जो वार्म फीलिंग है ना वार्म फीलिंग वो साथ रहती है वो साथ रहती है और पता है फर्क होता है लाइक आई ऑल्सो मीट सो मेनी पीपल बट दैट Whoever meets you warmly, even if for two minutes, वो रहती है as compared to जो करके चले जाते हैं नहीं अब ज़्यादातर मैं देखती हूँ कि सभी मिलते हैं और सभी अप्रिशिएट करते हैं ये पुराना बातें हैं एंड सबसे ज़्यादा इस बारे में तो माहिरा इज अमेजिंग आई डोंट वांट टू टेक हर नेम बट क्योंकि मैं इतनी दफ़ा बोलती हूँ शी इज़ सो अमेजिंग हम लोग इंडिया में थे और हमारी हम लोग फ्लाइट के लिए लेट हो रहे थे ठीक है And she came in and people barged in and they're like, वो हर जगह रुकी है from check-in to boarding. Yeah. She stopped each and everywhere, regardless के हम लोग फ्लाइट के लिए लेट हो रहे थे राइट वरना बंदा कहते थे सॉरी यू नो लाइक आई एम रनिंग लेट फॉर माई फ्लाइट नहीं वो और उसी स्माइल उसी कोई उलझन नहीं चेहरे पे कि सो I've learned this from her. Absolutely. आप सही कह रही हैं एंड आई एडमायर दिस अबाउट हर सो मच आई कॉन्ट टेल यू और मैंने इसको एक नहीं बहुत दफ़ा विटनेस किया बहुत दफ़ा अच्छा बहुत और दफा. एक और बात भी उनके बारे में बताऊँ आपको मैं वो जा रही है ना किसी चीज़ में एक मजमे में वैसे जा रही हैं उनको कोई नजर आएगा जिसको वो जानती हैं थोड़ी बातचीत है शी विल स्टॉप एंड शी विल से हेलो एंड देन शी विल मूव ऑन Absolutely. And you are like she's Myra Khan. She doesn't need to do that. Yeah. वो नहीं भी करती तो हम तो उनसे फिर भी वैसे ही मिलते. But she has done it. तो वो इतना फर्क पड़ता है आपके दिल में. बिल्कुल. अच्छा चलें हम वापस आते हैं आपके तक. मुझे बताएं how is that feeling कि अब्बा को फोन करूंगी और आतिफ असलम के साथ सेल्फी भी मिल जाएगी और ये भी हो जाएगा. कभी हुआ ही नहीं है तो सिर्फ फीलिंग कैसी है? बस ये फीलिंग ही है जो कि डेड फीलिंग है. कोई फायदा नहीं उठाया. नहीं. किसी से मिलने का एज अ फैन नॉट एज एन एक्टर. कुछ नहीं. यार क्यों भाई? नथिंग. क्यों भाई ये तो आप रिसोर्सेज ये तो रिसोर्सेज को वेस्ट कर रही हैं ये तो आप मैं वेस्ट नहीं कर रही वो देना नहीं चाहते हैं ओह अच्छा सॉरी आप ये बात करें मतलब अगर आपका बस चलता तो ये हो चुका होता मेरा बस चलता तो बहुत कुछ हो जाता तो मैं उनके साथ ओम शांति ओम के शूट पे चली जाती ही डिडंट टेक यू वेल एट दैट पॉइंट ऑफ माय लाइफ आई वाज इन लंदन फर्स्ट ऑफ ऑल एंड दो दिन का ट्रिप ही कर लेती यार
नहीं मैं उस वक्त कुछ और नादिर के हाँ मुझे पता था मैं उसे आते उस तरफ भी आते हैं ठीक है ठीक है योर प्रायोरिटीज वर राइट. ये आप उनको इंटरव्यू करेगा और उनसे ये सारी बातें पूछेगा तो मतलब उन्होंने बिल्कुल मना किया था नॉट एट ऑल. आई मीन मना नहीं किया मतलब एक वो हमेशा से था कि हमने भी इतना पुश नहीं किया. मैं कभी कभार बीच में बोल देती थी लाइक लॉन्ग टाइम अगो बट अब वो भी नहीं. लेकिन बचपन में एक्टर्स वगैरह सारे जो बड़े बड़े नाम हैं वो लोग उनसे मुलाकात होती होगी आते होंगे वो कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस. बुशरा आंटी के साथ तो बहुत टाइम गुजारा है बहुत कुछ सीखने को भी मिला है उनसे एंड एवरी टाइम मीटिंग एनीबडी फ्रॉम द इंडस्ट्री वॉज सच अ नाइस फीलिंग. एक लगता था कि आप एक क्लोज फैमिली में रह रहे हो सब आपके फैमिली मेंबर्स ही हैं. सो डेफिनेटली बहुत अच्छी फीलिंग थी. कभी सेट्स पे जाती थी आप या कभी भी नहीं गई? नहीं नहीं गई हूँ सेट्स पे बहुत दफ़ा गई हूँ एंड लाहौर में तो स्टूडियोज पे भी जाती स्टूडियोज यस. तो आपने तो वो एरा देखा हुआ है वो देखा हुआ है और आपको सब यादें होंगी. यू शुड राइट अ बुक. मैं तो भागती भी चली जाती थी मैं अब बाबा डश मैं काम कर रहा हूँ इसीलिए नहीं ले जाते थे इसीलिए नहीं ले बेटा अब तुम थोड़ी बड़ी हो गई अब तुम छोड़ दो मुझे तो वो ऐसा या बहुत ही अच्छी फीलिंग और बहुत ही अच्छी यादें. कोई स्टोरी है जो सुना सकती है किस्सा है कोई स्टूडियो का उधर का एवेन्यू का या कभी किसी एक्टर से मिले कुछ किया कुछ हुआ? सबसे मिलते थे ऐसा लगता था यू आर नो लाइक अपने घर में ही हो आप एंड उन लोगों की तरफ से इतनी मोहब्बत थी एवरीबडी लव्ड मी एंड शहजाद. इतना वार्मथ मिलता था काफ़ी दुआएं मिली हमें उन सब. नाम बताएं किस किस से मिले यार अगर आप सबके नाम है या शबनम बाबरा बाबरा तो अम्मी की भी दोस्त और हम हर जब भी जून जुलाई में जाते थे तो फिरदौस आंटी उनकी जो बहन है वो अम्मी की बहुत पुरानी दोस्त हैं और उन वी हैव अ फैमिली बहुत जेलस हो रही हूं सीरियस फैमिली फ्रेंड्स वाला रिलेशनशिप है. हम तो बड़े हुए हैं उनके साथ एंड उन्होंने बहुत साथ दिया अम्मी का उस जमाने में. सो डेफिनेटली बाबरा आंटी एंड फिरदौस आंटी का तो बहुत बड़ा रोल है. तो मुझे बताएं क्योंकि आप इन सबको देखते हुए बड़ी हुई कभी इनसे कुछ आपने पिक किया है जो आपको अब याद आता है कि मैंने अपनी एक्टिंग में इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट किया हुआ है? कभी ऐसा है कुछ होता है कभी लगता है आपको? बहुत दफ़ा लगता है एंड किसी आप जब मैं कैरेक्टर के लिए जाती हूँ तो मैं तो बहुत रिसर्च करने की कोशिश करती हूँ चाहे वो हमारा आज के एक्टर्स हो चाहे वो हमारे पुराने एक्टर्स हों. पुराना मटीरियल मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है तो कभी कभार फ़ोन करके भी आप पूछ लेते हैं या समटाइम्स इफ़ आई वांट टू. मैंने बुशरा आंटी से काफ़ी डिस्कशंस की हैं जो भी उस वक्त हो जैसे कि अभी रिसेंटली जब मैं ये दरार के लिए ये रोल कर रही थी टू टॉकेटिव एंड यू नो लाइक बिल्कुल बोल्ड एंड या कॉन्फिडेंट एंड एवरीथिंग. सो सबा सज्जल के काफ़ी मैंने रोल्स इस तरह देखे बिकॉज उनकी जो एक्टिंग नहीं लगती सो यू नो वेरी रियल लगती. सो उनके काफ़ी मैंने ड्रामे सर्च किए और चीज़ें देखी ऑल्दो वो वैसे रोल्स नहीं थे जो मैं ये कह रही हूँ बट कुछ पिक कर लिया वो एक उसकी इस तरह से चलती है या वो इस तरह से बोलती है या वो इतनी मुंह फट है या वो यू नो इसकी अदाएं ऐसी हैं. तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पिक करने की कोशिश मैंने जरूर की है. ठीक है. फिर उसको मिला के आप अपना एक बना लेते हैं या फिर वो तो डायरेक्टर का बहुत बड़ा काम होता है हाथ होता है उनके साथ बैठ के. ये नहीं कि आप एक मिक्स प्लेट लेके आके होगे कि कर क्या रही हो. नहीं नहीं ऑफ कोर्स वो कहीं से सजल मिक्स प्लेट नहीं लग रही है दरार में. सो कोई मिक्स प्लेट नहीं है. इट्स वी विल टॉक अबाउट हर आल्सो. तो बचपन में था कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी क्योंकि आपने बहुत लेट स्टार्ट किया. इट्स नॉट कि 18 या 17 साल की उम्र में आपने स्टार्ट किया. आज मुझसे पूछे तो मैं कभी कभार ये देखती हूँ और सोचती हूँ कि मैं अगर पहले शुरू करती तो मेरा एक बहुत ही डिफरेंट पार्ट होता है इस इंडस्ट्री के लिए. तो रिग्रेट होता है? रिग्रेट तो नहीं होता. जो होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है और जिस काम में भी अल्लाह मियाँ अगर उसको नहीं होता तो उसमें कोई बेहतरी होती है. इस तरह सोचेंगे तो रिग्रेट फील नहीं करेंगे राइट. सो बट मैं ये सोचती हूँ अगर होता तो एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैं इस इंडस्ट्री को दे पाती. बट अभी भी कोशिश होती है और अभी भी सीख रही हूँ. अभी भी शुरू में डेफिनेटली मैं मानती हूँ थोड़ी सी नॉन सीरियस थी एंड एकदम से वो हुआ कि ओ ये क्या हो गया लाइक एक एक्ट्रेस बन गई हूँ. तो वो एक नॉन सीरियस पन था बट देन व्हेन आई गॉट इनटू इट वन बाय वन तो उसको एक इस काम को सीरियसली लेना
और ऑडियंस को मनवाना, अपने फैंस को मनवाना बहुत ही मुश्किल काम है. जैसे मैंने आपको कहा, वही हमारे असल बॉस है. सो उसमें मेहनत ही होती है, उसमें सीरियस ही होना पड़ता है. एंड दैट्स हाउ नाउ आई एम व्हाट आई एम डूइंग. लेकिन तो बचपन में क्या सोचती थी, क्या बनना चाहती थी? एंड आई एम सरप्राइज्ड. बहुत कुछ. टीचर बनना था, एयरहोस्टेस बनना था, देन प्रोडक्शन में आना था. सो शादी से पहले मैंने बाबा को बोला मुझे प्रोडक्शन में, कहा ऐसे नहीं शुरू होता, यू नीड टू वर्क. मैंने काफ़ी दफ़े मेंशन भी किया. देन आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ लाइन प्रोड्यूसर एट हम टीवी. वाओ, अच्छा, आई डिडंट नो दैट. तो उन्होंने मुझे सुल्तानपुर के पास भेज दिया. उन्होंने कहा बेटा आप इधर जाएँ, आप काम सीखें, ऐसे थोड़ी. तो मैंने स्क्रैच से शुरू किया है कि चाय पकड़ाने से लेके पेपर साइन करवाना, ये जो शूट हो रही है तो इसके जो कैमराज हैं मिलेंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट साइन करवाना, एंड यू नो कि ये सारा वो पारी वाला काम, पारी वाला लाइन प्रोड्यूसर का काम. लाइक लिटरली आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच. आई डिड दैट फॉर 2 इयर्स. माय गुडनेस, 2 इयर्स. यस, आपने हीरा मानी वाला जो शो है उनका, हीरा का पहला शो, क्या नाम था ड्रामा उनका? नो, शो हीरा ने जो अपना करियर का आगाज शुरू किया था विद द हम टीवी शो. अच्छा, वो जो मानी और हीरा, मानी और हीरा का शो, उसकी लाइन प्रोड्यूसर मैं थी. लाइन प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर वाज सनम, राइट? सो आई वाज वर्किंग अंडर हर. सो हीरा और मानी के साथ तो बहुत अच्छा वक्त गुजरा है उधर, एंड मॉर्निंग शोज पे लाइन प्रोड्यूसर का काम करना. तो अभी कोई एक्सपीरियंस कैसा था मोमेंट? बहुत अच्छा. मैंने स्विचिंग सीखी है, लाइक कैमरा के पीछे. बट वाज इट नॉट टफ? इन कभी कभी हो नहीं जाता यार मैं क्या कर रही हूँ, मुझे तो वो चीज़ें करनी है, मैं क्या ये नहीं. मैं कभी दुखी नहीं होती हूँ कि मैं कहाँ फंस गई हूँ. मैं ये नहीं होती हूँ. मुझे कुछ ना कुछ उस चीज़ को हासिल करना होता है ना, उस चीज़ को पूरा करना होता है. तो मेरा ये होता है कि ये भी करना है, वो भी करना है. हम मैं तो एक्चुअली आपको राबिया बताऊँ कि आई स्टिल रिमेम्बर हीरा मानी वाला जब शो रिलीज़ हो रहा था, जो डे वन था, उसकी रात को सेट रेडी नहीं था और हम लोगों ने एक एक चीज़ देखनी थी एंड एवरीथिंग. हम मैं ऑफिस में सोई हूँ, लाइक आई डिडंट गो होम. सो इट वॉज दैट, लाइक हमेशा से उससे पहले पैशनेट थी. मैंने उससे पहले इवेंट्स किए हैं फॉर 4 इयर्स. सो वो एक भाग दौड़ वाला काम, एक मेहनती काम कर चुकी थी, तो उसकी यूज टू भी आदत थी. क्योंकि वहाँ तो हमें फूल भी लगाने, तो हम सीढ़ियों पे चढ़ गए. लेकिन होता है ये मोमेंट कि इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में आपको पता है कि आपको ये करना है और राइट. लेकिन अब आप यहाँ आ रही हैं, सोच रही हैं, मैं भी यही है ना. नहीं नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि आप सोच रही हैं कि मुझे प्रोड्यूसर बनना है, मुझे तो वो दी जॉब करनी है, लेकिन आप कर कुछ और ही. तो कभी कभी ख्याल आ जाता है कि यार जब मैं एक चीज डायरेक्टली कर सकती हूँ तो मुझे ये स्टेप्स लेने की क्या जरूरत है. नहीं, एक इंसान की. आई थिंक सो. व्हाट मोटिवेटेड यू टू कीप डूइंग दैट? इफ आई वांट टू गेट हियर, तो मुझे नीचे के अगर स्टेप्स नहीं पता होंगे तो मैं कैसे गाइड करूंगी अपनी टीम को, राइट? इफ यू थिंक लाइक दैट, इफ आई हैव गॉन थ्रू द सेम थिंग एंड आई विल नो कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम्स होती हैं या नहीं होती हैं, या इस चीज़ को किस तरह हैंडल करना चाहिए है. क्योंकि हमारे शूट पे टाइम तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? कि कोई टाइम अगर 12 घंटे हैं तो 12 घंटे में कंप्लीट करना है हमने. 10 सीन करने, दिन के तो 10 सीन करने हैं. देर आर नो 2 वेज अबाउट इट. सो यू हैव टू बी अलर्ट एंड यू हैव टू वर्क अंडर दैट प्रेशर, राइट? सो आई हैव लर्नड एंड माई जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर कि कितना इम्पोर्टेंट है. कभी ये कोफ्त नहीं हुई, मैंने हमेशा इंजॉय किया अपना काम को. दैट्स गुड. उधर भी अपने दोस्त बनाए, एक टीम बनाई, एंड अभी तक मैं उनके साथ हूँ. वो मुझे कहते हैं अब तो तुम एक्ट्रेस बन गई हो, तो फोन आते क्या अब हमारे शो. मैंने कहा तुम लोग तो छोड़ो, मैं आ जाऊँगी, यू नो, लाइक तुम लोग के लिए तो डन है. सो इतना मजा आता है. तो एक्टिंग की तरफ कैसे आ गई फिर? जब बचपन में भी नहीं सोचा था, नहीं सोचा हुआ था. एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं सोची हुई थी, प्रोडक्शन सोची हुई थी, एंड ऑफकोर्स इवेंट्स कर चुकी थी. तो शादी के बाद नादिर की दोस्त फीबी, मेरी भी दोस्त है, तो उन्होंने कहा कि एक इस तरह से एक सिटकॉम है, उसके ऑडिशंस हो रहे हैं मोमेंट, तुम भी दे दो, क्योंकि शेरी भी उसके अंदर. मैंने कहा अच्छा हाँ, बस तुम जैसी हो ना, ये चुलबुली टाइप की, बस ऐसे ही तुम्हारा रोल होगा. ठीक है, अच्छा ठीक है. बट क्या, अच्छा मैं आपको बताऊँ, मैं कैमरा से इतना डरती थी, इतना डरती थी कि मेरा लाइक वो जो रेड लाइट होती है ना, वो ऑन होती थी तो मैं अच्छा ठीक है, वो 50 कट्स हो रहे होते थे. ऐसा होता था. ओह माय गुडनेस. ओके ठीक है. नाउ दिस कैमरा इज माय बेस्ट फ्रेंड. यस, बट एनीवेज, क्योंकि अब इसमें रेड लाइट नहीं है. कैमरा भाई आपका नहीं, ये रेड लाइट का सारा कमाल है. रेड लाइट का सारा कमाल है. थैंक यू. आप ज्यादा खुश ना हो कैमरा भाई, आप ज्यादा खुश हो. तो ये तो
बेसिकली फीबी ने ऑडिशन करवाया, नजफ बिलग्रामी वॉज डायरेक्टिंग इट, एंड हो गया मेरा. आई वेंट थ्रू एंड स्टार्टेड, एंड बड़े मज़े से वो शूट हो गई, एंड मुझे तो लगा बड़े खेल खेल में हो गया सब कुछ, राइट. और उसका ऑडियंस रिस्पॉन्स कैसा आया? इट वॉज गुड, इट वॉज गुड. पहचानना शुरू किया लोगों ने, पहचानना शुरू कर दिया. ऑफ कोर्स एक्सप्रेस टीवी पे चल रहा था वो ड्रामा, इट्स सिटकॉम, एंड एक वो ही अच्छा ओ यू नो लाइक अब मेरा भी, बिकॉज पूरी जिंदगी हमने सिर्फ बाबा को देखा है जावेद शेख, जावेद शेख, जावेद शेख, जावेद शेख, ओ वाओ. तो वो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जितना शुक्र अदा करें. सेकंड ड्रामा कौन सा था? सेकंड मैंने किया था साउथ भाई के साथ, I don't remember the name, and it was a long series. Okay. उसमें एक पार्ट किया था मैंने. ठीक है. तो वो था, and then my first serial was एतराफ के नाम से, and मेरे opposite कौन था? कौन था? सोचे आप. Hint दे. छाए में आजकल तमाशा में वो. नांसी दी की? Yes. Oh my goodness. Yes. Lucky Can you? You imagine? Lucky I you? was the luckiest person on the planet. And वो तो अच्छा अब एक crush थे कभी आपके नांसी दी की? नान भाई थे. Crush कहाँ से होंगे? What an awkward feeling. Okay, sorry, you have taken it into another direction. Yeah, you're taking it another direction, but no, for me, Adnan bhai. You know, like hero थे आपके. वो मेरे hero. तो कितने awkward फिर तो. मैंने कहा ये क्या हो रहा है? And but it was like, oh, I'm working with Adnan Siddiqui. Yeah. I'm this my first year. And ये क्या साल था? कौन सा साल? About 2012, 2013. Yeah. So ये तो एक मैंने कहा कि कहाँ से चप्पड़ पाड़ के कुछ मिल गया मुझे, you know, like. And what an experience working with him. What an वो सिखाते हैं, बहुत सिखाते हैं, बहुत सिखाते हैं. Like और डांट भी देते हैं. डांट भी देते हैं, which is a good thing. मुझे याद है कि मुझे पड़ी होगी उर्दू में डांट पिटी होगी आपको. आज तक पिटती है, आज तक पिटती है. कोई बात बोल रही होती हो वो ठीक तरह से, अगर मुझे कोई लफ्ज नहीं आया उर्दू का तो आ गए आजकल के हमारे. हाँ तो नहीं, बट आई मीन वी लव अदनान भाई. तो फिर उसके बाद आपने सीरियस कब होना शुरू हुआ? एतराफ पे हो गई थी या उसके भी बाद टाइम? ऑफकोर्स नहीं, उस पर फिर शुरू हो गई, एंड देन यू नो लाइक थोड़ा बहुत टाइम लगा, लेकिन फिर कभी ये था कि Is this what I have to do? Like, I was still... Or is this what you want to do? Is this what I want to More do? More than that. More than that, want, right? Yeah. So, I was still like... Double-minded. Double-minded and thinking... Why? What thing was double-minded? In acting, people... Because I thought that... My back of my mind was that... Probably Baba never want me to be in this field, right? Because when we opened it in front of them that I'm going to work, then I did Nadir ko hi aage kiya. मैंने कहा if well my husband is giving me permission, I don't have to ask you or Shahzad anymore. So उन्होंने उसको समझाया, देख लो और ये है वो है whatever, you know. So मुझे एक वो feeling थी, तो मैं I think so मैं एक अपने bubble में थी that कि नहीं ये मैं नहीं कर सकती, या तो एक confident नहीं था, right? And इस चीज़ की इस craft को मैं समझ नहीं पा रही थी, right? It was all about, oh, I'm working. Oh, script में से ये चार लाइनें बोलनी है. Oh, मुझे पैसे मिल रहे हैं. Oh, I'm earning my own money. It was just that. It was just that. But then when the scripts came and you know, आपके stories कुछ आपको interest करती हैं, आपको फिर production house करते हैं, आपको directors करते हैं, आपकी cast करती है. Then slowly and gradually, I was like, now I have to prove myself. फिर बहुत ये भी हुआ कि अच्छा जावेद शेख के बच्चे हैं, इनको तो इसलिए मिल रहा होगा काम. एक ड्रामा या एक प्रोजेक्ट हमें बाबा ने नहीं कभी कोई दिलवाया हो, या कोई फ़ोन भी किया हो, एक छोटा फ़ोन कॉल टेक केयर ऑफ. वी हैव बिन थ्रू वट एवर वी हैव बिन थ्रू बाय आर ओन मी एंड शहज़ाद, एंड दिस इज अ लॉन्ग जर्नी जो हमने खुद तय की एंड अंडरस्टैंड की एंड खुद एक्सप्लोर की और खुद आज उसको लेके चल रहे हैं. शुरू में कितना हर्ट करता था या गुस्सा चढ़ता था इस बात पे कि मेरी जो टैलेंट है वो भी अंडरमाइन हो जाती है, या उस चीज़ को लोग साइड पे कर देते हैं जस्ट बाय दिस स्टेटमेंट कि ओ ये तो जावेद शेख की बेटी है? गुस्सा तो बहुत होता तो होगा. नहीं, बिल्कुल हर्ट होता था,
गुस्सा नहीं होता था. आई मीन गुस्से का क्या, उनका क्या, बट आई मीन डेफिनेटली उस चीज ने एक चीज सिखाई कि अपने आप को किस तरह बेहतर करना है, किस तरह प्रूफ करना है कि ओ या वी कैन डू दिस. एंड टू बी ऑनेस्ट आई वॉज नॉट दैट गुड. आई वॉज नॉट लाइक आई वॉज ओके, यू नो. मैं कहती हूँ अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ तो मैं भी चार दफ़ा सोचूँ मैं इसको क्यों कास्ट करूँ, क्या इसमें ऐसी क्या खास बात है. दैट टाइम व्हेन स्ट्रेट लाइंस बोल रही है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है या एक ही किस्म के रोल कर रही है, क्या डिफरेंट है, क्या चीज़ है. बट देन लेटर ऑन व्हेन आई थॉट अबाउट इट एंड इफ आई एम डूइंग सच काइंड ऑफ रोल्स जिसमें रोना धोना है, तो मैं इस कैरेक्टर से लेके इस कैरेक्टर तो किस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ एज एन एक्टर, राइट. ठीक है, मेरे कपड़े बदल जाएंगे, मेरा हेयर स्टाइल बदल जाएगा, मैं आंखों में लेंसेज लगा लूँगी, मैं एक्सटेंशन लगा लूँगी, मैं अपने आप को कर, बट अपने लहजे में, अपने चाल में, अपनी एक्टिंग में किस तरह मैं उसको चेंज कर पाऊँगी, ये तो खुद सीखा और खुद प्रूव करने की कोशिश की, तो आज इतना प्यार मिलता है और बहुत खुशी होती है. अब मैं बहुत डरी हुई थी जो अभी आजकल कर रही हूँ रोल सज्जल, बिकॉज वो मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया. इट्स वेरी डिफरेंट फॉर मी. सो रिसेंटली आई वाज ट्रैवलिंग टू दुबई एंड राबिया, आई किड यू नॉट दैट द अमाउंट ऑफ पीपल एंड द लेडीज वर कमिंग टू मी एंड दे वर वी हेट यू, वी हेट यू. आई वाज लाइक इसका मतलब ये है कि मैंने काम अपना अच्छा किया है. हाँ, कितनी जबरदस्त जबरदस्त. एंड यू नो लाइक दे वर अप्रिशिएटिंग इट एंड आई वाज रियली स्कैर्ड अबाउट इट, बट वो देख के और जितना प्यार मिला वो देख के तो मुझे लगा कि चलो एक कुछ तो सही किया ही होगा. नहीं नहीं, बहुत कुछ तो सही किया, बहुत सही करी. आपने कहीं और भी कहा और अभी भी आप जैसे कह रही हैं कि नेपोटिज्म पे, तो अब जब आप लोगों से बात होती है तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम इस टॉपिक को छेड़े नहीं. तो आपने कहा कि हम भी उतनी ही मेहनत करते हैं, उतना ही रगड़ा लगता है जितना बाकी सबको लगता है. तो जो जहन में पहला सवाल बहुत से लोगों का आता है या वो ये होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी तो आसान होती होंगी जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ बींग नोन टू द इंडस्ट्री, यू नो कि इंडस्ट्री आपको जानती है, रोल्स मेन कैरेक्टर्स मिलना थोड़ा सा तो आसान होता होगा एज़ कम्पेयर टू अदर लोग जो कि मे बी 4 साल लगते हैं उनको एक लीड लेने में, या आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट था? मेरा नहीं, मेरा भी यही रहा. आई हैव डन अ लॉट ऑफ सपोर्टिंग रोल्स एज वेल. ओके, शुरू से आपने वो किए. नॉट दैट कि मुझे प्लेट में मिल गया. तो आपके केस में ये नहीं आपको फायदा? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. आई मीन एब्सोल्युटली नॉट. एंड ऐसा नहीं होता कि अच्छा ठीक है एक प्रोड्यूसर मेरे बाप को जानता है तो मुझे लीड रोल दे देगा. उसने भी एक अपना प्रोडक्शन हाउस चलाना है, उसने एक अच्छे एक्टर को लेना है, तो वो हिसाब से ही लेगा, उसके काम को ही देख के ही लेगा, राइट. एंड ऐसी कोई कहानी नहीं होती कि उतना, बल्कि हमारे लिए और मुश्किल है. और मुश्किल इसलिए है बिकॉज यहाँ पे ऐसे नहीं देखा जाता है. दिस नॉट बॉलीवुड के ओ अच्छा आप एक हाउस होल्ड में पैदा हो गए हो जहाँ पे आपके दादा भी हैं, आपके बाप भी हैं, एक्टर्स हैं, आपके चाचा मामा, वट एवर, सो यू आर अ स्टार किड. नॉट एट ऑल. नेगेटिव होता है. इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. इट वॉज बल्कि मैं आप जैसे मैंने बोला कि और मुश्किल था हमारे लिए, क्योंकि एक तो हमने अपनी इस इंडस्ट्री को भी प्रूफ करना है और फिर हमें अपने लोगों को भी प्रूफ करना है, हमने अपने आप को भी प्रूफ करना है, हमने फैमिली को भी प्रूफ करना है. यू डिजर्व टू बी हियर, दैट यू डिजर्व टू बी हियर. एक बंदा आएगा, वो एक बाहर से आएगा, वो अपनी ख्वाहिश लेके आएगा, वो मेहनत करेगा, वो अपने आप को प्रूव कर देगा, दैट्स इट. राइट नाउ इट्स फॉर अस, इट्स लाइक दे ऑल्सो हैव अ जर्नी. बिल्कुल, उनकी जर्नी को अंडरमाइन नहीं कर रहे, अंडरमाइन बिल्कुल भी नहीं कर रहे, उनकी एक जर्नी है. एंड जो मेहनत करता है जिस फील्ड में भी मेहनत करता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो कोई भी हो, तो आई मीन मेहनत से ही बंदा आगे बढ़ेगा ना. आई मीन सर्जन कैसे बनेगा कि बाप सर्जन था इसलिए बन रहा है? नहीं, बाप को देख के उसका शौक आया है, अब वो अपनी मेहनत अपनी पढ़ाई से ही बनेगा ना सर्जन. तो आपको लगता है कि नेपोटिज्म से रिलेटेड जो शिकवे शिकायत होते हैं या जो डिबेट होती है, कॉन्वर्सेशन होती हैं, थोड़ी अनफेयर हो जाती हैं? 110% बिकॉज आई थिंक सो. हमारा बॉलीवुड ने इतना डाला हुआ है कि वो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे इस तरह से उसको मर्ज कर देते हैं. नो, बॉलीवुड इज़ कम्प्लीटली सेपरेट. आर पाकिस्तानी टेलीविजन इंडस्ट्री इज़ कम्प्लीटली सेपरेट. सो इट इज़ नथिंग टू डू विद इट. नहीं, अगर तो ये होता ना तो मैं तो फिर पता नहीं अगर कहाँ होती, यू नो, लाइक
अगर लोगों के कहने पे या मेरे फादर के कहने पे मुझे रोल्स मिल रहे होते, सो मैं तो कहती बाबा नो, मुझे तो इसके साथ काम करना है, मुझे तो इसके साथ कास्ट करवा दे, या तो मुझे इसके साथ ही करें, या तो मेरा इस तरह से करियर होना होगा, या बिग रोल में एक सिटकॉम से शुरुआत नहीं करती, प्रॉब्ली एक फिल्म से शुरुआत करती, राइट? डजंट वर्क लाइक। बाबा ने कभी तारीफ की है, कभी देख के क्या कहा पहली बार या क्या? जब मैंने फिल्म की तब डेफिनेटली, एंड उस वक्त भी लोगों ने बोला कि डेफिनेटली उनकी वजह से रोल मिला है, बट ऐसा कुछ नहीं था। एंड ऑडिशन दिया था आपने? ऑडिशन दिया था उनके पास, सो बेसिकली मुदस्सिर अजीज जो डायरेक्टर थे हैप्पी भाग जाएगी के, उन्होंने बाबा को ये एक दिया हुआ था मिशन कि प्लीज़ मुझे पाकिस्तानी एक्ट्रेस चाहिए, राइट? तो बाबा ने किसी को अप्रोच किया, इसको अप्रोच किया, उनको भी स्क्रिप्ट भेजी, इनको भी स्क्रिप्ट भेजी, मेरे बारे में कुछ बताया नहीं। गूगल पे उन्होंने एक पिक्चर देखी, उन्होंने कहा ये लड़की कौन है? आप शेख साहब इनको भी जानते होंगे, आप इनका नाम? उन्होंने कहा ये तो मेरी बेटी है। उन्होंने और गूगल किया तो पता चल गया पूरा, राइट? तो उन्होंने कहा इसका क्यों नहीं बताया, तो एक्ट्रेस है। तो नहीं नहीं ये तो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? खुद ही डिसीजन ले लिया। नहीं नहीं ये तो करेगी नहीं, उनसे बात हो रही है उनकी, उन्होंने कहा ये नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? इसका तो अभी बेबी हुआ है, अभी तो एक महीना हुआ है। तो आप नंबर दें, मैं खुद बात कर दूँ। अच्छा मेरा भी नहीं था कि ऑफ कोर्स इब्राहिम वाज बोर्न एट दैट पॉइंट एंड रिसेंटली वी केम बैक फ्रॉम यूएस एंड एक मदरहुड की दुनिया ही डिफरेंट होती है। वो भी फर्स्ट बेबी एंड मुझे बोला गया तो मैंने भी यही बोला कि नो नॉट राइट नाउ, बट उन्होंने कहा ऑडिशन, जस्ट गिव मी एन ऑडिशन, दैट्स व्हाट ऑल आई एम आस्किंग फॉर। सो ही वाज गोइंग विद बेबी स्टेप्स। आई वाज लाइक ओके फाइन। मैंने अपना ऑडिशन दिया, व्हेन ही लाइक्ड इट देन ही केम बैक अगेन। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? आई कैन डू दिस मच फॉर यू। मैं आपको सिर्फ आपकी शूट डेज पे बुलाऊंगा। आप सिर्फ इस तरह आप ले आओ बेबी साथ ले आओ, आप अम्मी ले आओ, आप नानी ले आओ, आप अपने हस्बैंड को ले आओ, बट यू आर परफेक्ट फॉर माई रोल। आज दैट इज सो लाइक यू नो, एक आपने एक अचीवमेंट, मैंने कहा मेरी यही अचीवमेंट है कि आपने ये बोल दिया दैट यू नो दैट आई डिजर्व दिस, बट इट इज गोना बी डिफिकल्ट फॉर मी। बट देन आई स्पोक टू नादर अबाउट इट एंड नादर वॉज द वन हु पुश्ड मी। ही इज लाइक ऐसी अपॉर्चुनिटीज हर रोज नहीं आती। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें कल को दोबारा बॉलीवुड से ऑफर आएगा? तो डू नॉट मिस ऑन दिस। आज बट इब्राहिम किस, क्यों सिर्फ माँ का रोल होता है, बाप नहीं पाल सकता? तो मुझे चैलेंज कर रही हो? नो आई नो दैट यू आर लाइक, बिकॉज फर्स्ट पैम्पर भी नादर ने ही चेंज किया था ना, एंड फर्स्ट पैम्पर बिकॉज मेरा सी सेक्शन था, सो आई वाज लाइक बेड पे यू नो लाइक, सो इट वाज लाइक इज लाइक आई कैन डू एवरीथिंग फॉर माय चाइल्ड। इफ द मदर कैन डू इट, द फादर कैन डू इट एज वेल। अजय बट ना दे, उसको ये भी खिलाना होगा, उसको ये भी करना होगा, इसके खाना वाना नहीं, उससे दूध पीना है, ओके ठीक है, अच्छा ये भी करना होगा, उसको वो भी करना होगा, उसको भी मोमेंट रिलैक्स। सो वन डे ही जस्ट मेड दिस डिसीजन फॉर मी एंड इज लाइक प्लीज गो अहेड, यू कैन नॉट से नो। एंड देन आई वेंट बैक एंड देन आई वाज लाइक ओ नाउ माई वेट, बॉलीवुड फिल्म करने जा रही हूँ। वहाँ देखा है हमने कि साइज जीरो का जोश में सब है और मैं एक एक्ट्रेस और ये वो, तो हो ही नहीं सकता। देन माय डायरेक्टर पुट मी ऑन अ पर्टिकुलर डाइट। ओके, उसने कहा यू कम राइट नाउ, वी डू रिहर्सल्स, वी डू लाइक सम वर्कशॉप्स विद अभे, यू साइन द कॉन्ट्रैक्ट, यू गो बैक, व्हेन यू कम बैक, इसमें पूरे दो महीने मोमेंट एंड यू हैव टू मंथ्स एंड यू विल ड्रॉप दिस वे टू दिस वे। वाओ, ओके एंड That you happened, did it. And I did it, and of course with the help of everyone. And तो जब आप गई थी तो 3 महीने का था इब्राहिम? जब मैं गई थी, कितने दिन के लिए गई थी? So again, it was very like back and forth. जब जितना काम होता था, फिर उतना करके तो longest stretch कितना था? I think so within 8 months. 9 months में पूरा शूट। मेरा मतलब 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम। ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, 10 दिन से ऊपर नहीं होता था। कैसा था न्यू बेबी को, 3 महीने के बेबी को साथ छोड़ के जाना? पहले उस पे कितना रोल क्या किया? बहुत बिंसी, जब मैं जा रही थी, जब एवरीथिंग वाज डन, आई कांट इमेजिन आपने छोड़ा कैसे होगा भाई। जब जा रही थी उसी रात को मैंने डिसीजन ले लिया था ना, मैं जा ही नहीं सकती, मैं यही सुनना चाहती थी कैसा हुआ या नहीं हुआ। ऑफ कोर्स आई स्टार्टेड क्राइंग, आई वाज लाइक नो वे, आई कांट डू दिस, लाइक मैं तो
हो गया, मैं इसमें ही खुश हूँ कि मुझे ऑफर आई है, यू नो, लाइक आई एम सो हैप्पी. और अभी ऐसे मिलकर आ गई हूँ कॉन्ट्रैक्ट साइन के लिए, कभी काफी है. तो उसने कहा क्या कह रही हूँ, यू नो, लाइक नो वे, अरे मैं नहीं जा सकती, आई कान, मेरा बच्चा, मैं लेके जाऊंगी. उसका वीजा भी लगवा दिया. ओके. एंड सेड बट यू कैन नॉट, ही कैन नॉट बी इन दैट माहौल, राइट? बहुत छोटा है, यू नो, लाइक अभी आपका सर संभाल रहे होते, गर्दन संभाल रहे होते एंड एवरीथिंग. So you cannot do this to your child just because you are guilty that you are not going to be there. उसको नहीं पता चलेगा कुछ. हाँ, उसको तो याद भी नहीं होगा. उसको याद भी नहीं होगा. बल्कि जब वो बड़ा होगा, he'll be proud of you. अब वो स्टोरी सुनेंगे इब्राहिम. Yeah, yes. So you know, like बहुत ज़्यादा एक बहुत ही difficult decision था ये. पर नादिर नहीं होता, नादिर अगर मुझे पुश नहीं करता तो मैं कभी जाती नहीं. मैंने तो ये भी बोल दिया तो मुझे नहीं करनी बॉलीवुड मूवी, नहीं आती, बाद में ऑफर नहीं आ रही, ना आए, मुझे करनी नहीं. Only a mother can say that, I feel. Absolutely. आज़ी की कहाँ है. तो बीच में करियर में भी ये होता रहता है आपको कि यू नो करियर भी है, यू आर अ मदर एज वेल, बट यू हैव टू जस्ट एक चीज़ है कि अगर आप इसको बैलेंस आउट कर लें then life is easy. तो उधर से जब वापस आई पहली बार तो क्या हो रही है वो वाला कुछ every time, उसको छोड़ दी नहीं थी आप तो every time राबिया, I kid you not, जब भी आई हूँ जितनी दफ़ा भी जितने spells के लिए गई हूँ, मैं इब्राहिम को उठाती थी और मैं कहीं और चली जाती थी बिकॉज मेरा वन ऑन वन टाइम नहीं होता था, राइट? सो मैं आती थी, मैं बैंकॉक चली गई, मैं दुबई चली गई इब्राहिम को लेके. तो जब वो तीन छोड़ के नहीं नादिर कुछ चीज़ों में, ऑफकोर्स जैसे उसका कोई वर्क ट्रिप आ रहा है तो उसके साथ प्लान कर लिया कि मैं और नादिर तुम्हारे साथ जा रहे हैं, मेरा कोई वर्क प्लान आ रहा है तो मैंने कहा अम्मी आप साथ आ जाए, अम्मी और इब्राहिम को ले गई साथ. फिर एक दफ़ा था कि मैं और इब्राहिम अकेले जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग दुबई में मेरे कज़न के पास, यू नो, लाइक वहाँ बच्चे हैं. सो एवरी टाइम उस गिल्ट में मेरे ख्याल से मैंने आप उन मदर्स को क्या कहेंगी, क्या एडवाइस देंगी जो वर्किंग मॉम्स हैं और दे स्केयर टू हैव अ बेबी, वो डर रही हैं कि वो शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकें या ये है कि करियर उनका रुक जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? ये ज़िंदगी है, ये अल्लाह ने दी है हमें, हमें एक हर औरत ने माँ बनना है, ठीक है. तो अगर इतनी डीपली अगर हम सोचेंगे कि क्या होगा तो हम कल को सांस भी नहीं ले सकते. मदर बनना तो बहुत दूर की बात है, राइट? सो इफ़ यू थिंक एज अ लाइफ जो आपको अल्लाह ताला ने दी है, इतनी खूबसूरत ज़िंदगी, तो उस सोच से अगर अपनी शुरुआत करेंगे तो हर चीज़ आसान होती जाती है आपके लिए, हर मुश्किल आसान होती जाती है, चाहे वो आपकी फिर प्रेगनेंसी हो. Well, it's like a very different topic altogether, which we are going to talk about. Inshallah. Motherhood. Yes. बहुत मुश्किलें आती हैं. Not के आराम से हो जाता है सब कुछ. नहीं, but उतनी ही ताकत भी देता है अल्लाह आपको. कोई एक चैलेंज और एक टिप आप बताते हैं, बाकी हम डिस्कशन बाद में नेक्स्ट वाले एपिसोड में करेंगे, बट जब भी हम कुछ अरसे बाद बैठेंगे इंशाल्लाह. लेकिन कोई एक चैलेंज दैट यू थिंक वो माएँ प्रिपेयर होने चाहिए या वो औरतें प्रिपेयर होने चाहिए इसके लिए, और कोई एक टिप जो आप उनको दे सकें? टिप तो यही है दैट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्गर, ठीक है, एंड जितना आपका अंदर बसा हुआ है, जितनी हिम्मत है, जितनी ताकत है, वो आप लगा दें, सो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. कहते हैं ना औरत में ज़्यादा ताकत होती है, वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए आसानियाँ हो जाती हैं, राइट? एक चीज़ के बहुत मत सोचे कि ये कैसे, ओवरथिंकिंग करेंगे तो फिर उसी जाल में फंसते जाएंगे. तो ओवरथिंकिंग नहीं करें, एंड एक इतनी खूबसूरत चीज़ है माँ बनना कि जब बच्चा आपके पास आता है ना, तो सारे दुख और दर्द आप भूल जाते हो. अभी जैसे मेरा ये है कि मैं अभी ख़त्म करूँगी और मैं अपनी बच्ची के पास जाऊँगी ना, तो मेरी पूरी दिन की थकावट जो है ना, वो दो मिनट के हक से विल बी गॉन. सो यू नो, वो ये इतना खूबसूरत रिलेशनशिप है जो ऑटोमेटिकली आता है. तो आपको बुलाते क्या है, मामा, मम्मी, मॉम? मामा, इब्राहिम मामा कहता है अभी. अलेहा भी मामा कहती हैं अभी. अलेहा और इब्राहिम, हाँ जी, मामा. दोनों में ज़्यादा कौन बातें करता है? इब्राहिम ज़्यादा बातें करते हैं, लेकिन अलिहा का ये है कि अगर मैं और इब्राहिम बात करूँगे तो बीच में पीछे से एक रटचिट हो जाएगी, मामा, मामा,
उसको अपनी वो अटेंशन चाहिए मुझे. सो इवन इफ आई एम टॉकिंग ऑन द फोन इन द कार, सो मैं बात कर रही हूँ मम्मा मम्मा भाई ओके मम्मा मम्मा कि नहीं तुम फोन पे नहीं बात कर सकती हो, तुम मुझे अटेंशन दो. तो फिर वो होता है ओके आई विल कॉल यू लेटर बाय. अच्छा तो नादिर से लव इट फर्स्ट साइट, पहली नज़र का प्यार था आपका डांस प्रैक्टिस पे? नहीं नहीं, पहली नज़र का प्यार नहीं था, पहली नज़र का डिसीजन था. पहली नज़र का डिसीजन था कि यू नो लाइक एक अट्रैक्शन थी, दैट्स इट. एंड ये बिल्कुल डिसाइड नहीं किया था कि शादी होगी. अच्छा. वी बिकेम सच अ गुड फ्रेंड्स कि वो कुछ अपनी ज़िंदगी में एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा था, मैं अपनी ज़िंदगी में एक मुश्किल वक्त से गुजर रही थी. सो वी वर देयर फॉर ईच अदर, दैट अंडरस्टैंडिंग मेड कनेक्शन बेसिकली. तो एंड फिर ये था कि तो शादी तो मुझे इसी से करनी है. अच्छा रुके रुके कहानी में रुके मैं कहानी को स्टेप बाई, ये कहानी जो थी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है तो मैं स्टेप बाई स्टेप लेके चलती हूँ. तो अच्छा तो जब देखा तो अच्छा लगा, बातचीत स्टार्ट हो गई, डांस प्रैक्टिस हो रहे हैं और सब कुछ. तो ये ख्याल कब आया कि हाँ इनको मैं जिंदगी का पार्टनर बनाने का? जब ही वापस चले गए लंदन, क्योंकि ये लंदन से है. यस आई मिस्ड हिम. आई वाज लाइक सॉरी मैं एक्साइटेड हूं, मैं खुद बता यू मिस्ड हिम. मैं खुद लिख रही हूं. नो बट दैट्स द रियलिटी. आई लव लव स्टोरीज यू नो. ओह माय गॉड राबिया, माय थिंग वाज लाइक उस वक्त बिल्कुल भी नहीं सोचा. अच्छा उस वक्त हिट नहीं किया था? हिट नहीं किया था, वी वर जस्ट फ्रेंड्स यू नो. And then I also knew that he's studying and because Nadir mujhse chote, to ek ye tha ki nahi connection nahi ho payega, you know, I don't Kitne know. Kitne saal chote hain? 2.5. Okay. Yeah. To wo concern tha us waqt. Us so 10 saal ho gaye aapki shaadi ko? 10 saal ho gaye. 11 saal ho gaye. 11 saal, mashallah. To us waqt shayad ye cheez zara thoda hota tha ki दो साल छोटे हैं या ये कंसर्न आपके जहन में? एक बात आई थी बट इट वॉज नॉट अ मेन कंसर्न एट ऑल, राइट? तो वो बस वहाँ से जब शुरुआत हुई एंड देन ही आल्सो सेड या आई डू लाइक यू एंड दिस एंड दैट बट आई एम स्टडीइंग. फिर मेरा ये होता था कि फिर मैं एक स्टेप पीछे, अच्छा ठीक है नहीं यू नो नहीं पढ़ रहा है तो यू नो लाइक. आपकी स्टडीज कंप्लीट हो चुकी थी? मैं मेरी हो चुकी थी बट मेरा एक जब अब मैं बताती हूँ स्टोरी. हाँ, कि हाँ, जब ये हुआ कि लॉन्ग डिस्टेंस, ये लॉन्ग डिस्टेंस होगा कैसे? और अब मेरे सारे दोस्त लंदन में ऑलरेडी पढ़ रहे थे. ठीक है एंड मैंने कहा कि ओके तो मुझे भी जाना चाहिए ये अब्रॉड पढ़ना है. मैंने कहा बाबा मुझे मोहब्बत की किताब पढ़ना है, मोहब्बत की किताब पढ़नी है. You're so cheap, so, but it's good, yeah. But that's how it is. It is. That's how it is. हर वक्त tragedy नहीं सुन सकते. तो हाँ, तो ये अच्छी प्यारी बात ही होनी चाहिए. Absolutely. ठीक है. तो मेरा ये था कि मुझे तो जाना है. अब मैं अपने दोस्तों को फोन करूँ. मैंने कहा कि क्या है तुम लोग का, क्या है? तुमने कहा तुमने कौन सा bachelor करने हैं ये? वो कहने कहा हाँ bachelor तो कोई नहीं कर रहा, but क्या सीरे क्या कर सकती हूँ मैं. तो बस मुझे आना है, मुझे आने कोई तो बताओ यहाँ, कोई तो कॉलेज बताओ, कोई हेल्प करो मुझे, मैं क्या करूँ मैं ये वो. सो मार्केट एंड एडवर्टाइजिंग में मैंने अपना ध्यान रखा एंड आई वाज़ लाइक सेम सिटी. कितनी दूर थी? जैसे ही पहुंची हूँ ही वेंट टू लीड्स. आई वेंट टू लंदन, ही वेंट टू लीड्स. ओह माय गॉड, अभी मेरे दोस्त हंस रहे होंगे लिटरली. गाइस प्लीज डोंट वॉच. इतना मुझे दुख मैं बता नहीं सकती हूँ. सारे वो जो दुखी वाले गाने नहीं होते थे, सैड सॉन्ग्स, वो लंदन में वॉक करना एंड वो गाने सुनना, लंदन कितना बुरा लग रहा है, वो डिप्रेशन एंड लंदन बुरा लग रहा है. और यहाँ अच्छा उससे पहले मैं बाबा के पास गई हूँ कि मुझे जाना है पढ़ने के लिए. सो आई वांट द मनी एंड डा 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 डा. ही इज लाइक हेलो शहजाद पढ़ रहा है ऑलरेडी, ही वाज इन न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी. Yeah. I can't bear two kids going abroad. तो हो ही नहीं सकता. नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है. उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा मेरे दोस्त हैं उनका, वो तो दो साल से वहाँ पे, तो मैं क्या ख्याल है. मैंने कहा नहीं मुझे जाना है and all my best friends are there and da da da. अच्छा आप ऐसा करें कि मुझे सिर्फ ट्यूशन फी दे दें, ये 1 year का डिप्लोमा है, सिर्फ इसकी फीस भर दें, खाना पीना रहना सब कुछ मैं कर लूँगी. उन्होंने कहा कैसे कर लोगी, इट्स सो एक्सपेंसिव एंड पाउंड्स एंड ऑल ऑफ दैट. आई विल डू इट. I took a job over there. Okay. मैं सुबह और मेरी इवनिंग क्लासेस होती थी. मैं सुबह 5 बजे उठती थी, एक डेढ़ घंटे की कम्यूट होती थी एंड मैं जाके काम करती थी 5 बजे, वहाँ से फारिग होके फिर एक डेढ़ घंटे की कम्यूट, जाके मेरी क्लासेस होती थी 10 बजे तक. मैं घर आती थी, खाना बनाती थी, कपड़े धोती थी और सो जाती थी. और बस वो ये होता था कि मैं एक शहर में हूँ और नादिर से बात हो जाएगी.
as simple as that. Oh, and God. That's how I did it. Mm-hmm. And but वो मैं थोड़ा सा पीछे 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 थी. मैंने एंड में बस नादिर को ये बोला, मैंने कहा well, बहुत हो गया लाइक क्या सीन है, तो शादी करो क्यों. मैंने कहा क्योंकि करनी तो शादी है. लाइक दिस इज दैट्स व्हाट आई ऑलवेज थॉट कि एक लड़का आएगा उससे मैं उससे मुझे मोहब्बत हो जाएगी और मैं शादी कर लूँगी. राइट. एंड ये भी बहुत लेटर ऑन लाइफ में ये मैंने सोचा बिकॉज हमेशा से मैं एक टॉम बॉयज थी. लाइक यू नो लाइक लड़कों के साथ रहना खाना पीना ये वो, कभी मुझे नज़ाकत या अदाएं या ये सब तो बिल्कुल भी नहीं करना आता था. अब तो बड़ा अच्छा करती है. अब थोड़ा सा कर लेती हूँ क्योंकि शायद इसमें आ गई हूँ एक्टिंग की फील्ड में. बट उस वक्त ऐसे होता था कि नहीं. बट उस प्यार ने भी मुझे काफ़ी कुछ सिखाया. क्या सिखाया? यही नज़ाकत, यही इस शर्माना या बात करना या चीज़ें करना. एंड देन नादिर को मैंने बोला कि ये रिलेशनशिप तभी चल सकती है जब तुम अपनी अम्मी को मेरी अम्मी से मिलवा दो. मैं ये नहीं कह रही कि पूरा प्रॉपर रिश्ता लेके आओ, बट एटलीस्ट आर मदर शुड नो. वो आया एंड उससे अपनी अम्मी से बात की. मैंने अपनी अम्मी को बताया. ओ गॉड, कोई याद कर रहा है आपको? नादिर आ रही हूँ मैं थोड़ी देर में. एक तीसरी आनी चाहिए. तो दोनों अम्मियों को मिलवा दिया. अम्मी ने जाके बाबा को बता दिया. उन्होंने अपने घर में बता दिया. उन्होंने कहा हम रिश्ता तभी लेके जा सकते हैं जब नादिर अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके कोई जॉब नहीं ले लेता. आज तक ओके ठीक है. एंड आई वाज बैक बाय देन. एंड वो आया, उसने आती साथ फॉरन जॉब ली क्योंकि ये था कि शादी करनी है. एंड बाबा से बात हुई. बाबा नादिर से मिले, शहजाद से मिले. एंड ठक 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 बात पक्की कर दी थी. उन्होंने कहा जब तक जॉब नहीं मिलती है. जब तक जॉब मिली शादी कर दी. एंड आई एम लाइक ओ हो, तो कुछ मजा ही नहीं आया. झगड़ा लगा तो था उधर. नहीं वो तो लगा था बट मैंने कहा कुछ होगा. बाबा कहेंगे ये शादी नहीं हो सकती. फिर मैं बोलूंगी नहीं, मैं इसके बगैर नहीं जी सकती. इतनी फिल्में देखी थी तो अंदर तो कहीं ना कहीं है एक एक्ट्रेस बैठी ना हीरोइन कोई कि घोड़े में आएगा लेके उठा के लेके जाएगा और मैं बोलूंगी मैं जा रही हूँ या फिर वो कैंट स्टेशन के रेलवे पे जा मोमल जी रही अपनी जिंदगी. एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई थॉट कि सब कुछ होगा. कुछ नहीं हुआ. राबिया मौलवी साहब आए, निकाह पढ़वाया. और ये जा वो जा एंड दैट्स इट. ओके अच्छा टेल मी सब क्या, व्हाट इज द मोस्ट फिल्मी थिंग जो आपने आज तक रिलेशनशिप में की हो? फिल्मी तो नहीं बट नादिर ने मुझे एक दफ़ा मेरी बर्थडे पे मैं यूएस से कराची आ रही थी एंड 14th को मैंने फ्लाइट पे चढ़ी. बिकॉज ऑफ टाइम डिफरेंस 15th इन प्लेन हो गई. 15th मे इज़ माय बर्थडे. और मुझे बुलाया गया एयर होस्टेस ने. उन्होंने कहा यूर शहजादी मोमल शेख. आज क्या साया शहजादी मोमल शेख. आपने इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया मेरा. मैं समझी सिर्फ बचपन का खत्म हो गया होगा. नो बट माय पासपोर्ट सेज इट ना, माय बर्थ सर्टिफिकेट सेज इट, सॉरी, और माय डॉक्यूमेंट सेज इट. यू आर शहजादी मोमल शेख. ओनली फॉर फॉरेनर्स. ये तो मेरा नाम खुद ही बोले. हाँ गाइस, कमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है. मैं कहीं की शहजादी नहीं हूँ बट मैं अपने घर की शहजादी हूँ एज माय मदर से अपने बाप की शहजादी. बिल्कुल माशाल्लाह से. सो एक वो था कि यू नो लाइक वो अच्छा हाँ तो वो उन्होंने मुझे बुलाया मैंने क्या हो रहा है. एंड दे टुक मी बिल्कुल पीछे एंड देर वर क्वाइट अ फ्यू सीट्स विच वर एम्प्टी एंड देर लाइक प्लीज सिट डाउन. एंड देर थ्री फोर पीपल केम विद अ केक. वाओ. एंड दे वर विशिंग मी लाइक इन द प्लेन. In the plane, huh. And I'm like, what? Somebody is making a video, and that's so cute. He had arranged. Nadir spoke to the airline, and he arranged it for me. So filmy to nahi, but I don't know. Uska pyar tha. Uski ek alag soch thi. And oh my God, I still can't forget that. अच्छा लेकिन आप नादिर के तो बड़े किस्से मैंने सुन लिए हैं दूसरे इंटरव्यूज पे भी. मुझे जानने आपने क्या किया है भाई? नादिर तो काफी कुछ कर रहे हैं. नहीं तो पूरे शुरू के सालों में तो मैंने किया तो ना. बस आपने कहा मैं और कुछ तो इस तरह मैं लंदन गई थी एक दफा नादिर की बर्थडे पे. और मैंने कहा कि यहाँ से मैंने 12 बजे उसको विश किया. हाँ कि हैप्पी बर्थडे एंड फोन बंद हो गया. वहाँ पे टाइम डिफरेंस डिफरेंट था. 6 घंटे बाद मेरी फ्लाइट थी. तो जब मैं पहुंची तो हमारे 29 पहले हो जाती है. तो वहाँ जब मैं पहुंची तो मैंने कहा हेलो सरप्राइज हैप्पी बर्थडे.
He's like, but I am at Wales right now and I have some exams and why did you not tell me that you... आप यूके के साथ कोई एक्सपेरिमेंट और कोई सरप्राइज नहीं करें, बच्चों के साथ ही मत कीजिएगा, मैं आपको मशवरा दे रही हूं। पापड़ बेले मैंने, इतने पापड़ बेले, तो आई वाज लाइक नहीं, यही मेरा सच्चा प्यार है, इसको तो मैं हासिल करके रहूं। कितना गुस्सा चढ़ा हुआ कि मैं पहुंची हूं सरप्राइज का, बहुत ज्यादा। और उस वक्त पैसे नहीं होते थे, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम कर रही थी, 5 महीने पैसे जोड़े कि अगस्त आएगी तो जाऊंगी नादर की बर्थडे पे, and tush, and it was a surprise, right? Yeah. He was like sitting at Wales. I was like, all right, thanks. अच्छा मुझे ये बताएं, इतनी busy social life चल रही होती है और आजकल हम देख रहे हैं कि marriage का जो institution है वो काफ़ी हिला हुआ है, young generation तो बहुत से लोग इस चीज़ में believe भी नहीं करते and they are very you know apprehensive about it. तो आप इतना जो इतने rush में, इतनी busy life में, इतने pressure जो हर जगह से face करने पड़ते हैं, how do you, what are the 2-3 things that you can share with us that aapko lagta hai ki aajkal ki shaadi ke pressure ko thoda sa kam karne ke liye, kis cheez ka pressure, social media ka pressure itna aata hai, har cheez ki perfection hoti hai, aapko lagta hai aap bhi chahte hain, zindagi itni busy chal rahi hai, idhar commitments, kaam ka pressure, you know, in sab cheezon se sab kuch rabia aapke apne haath mein, okay, everything is in your hand, ab aapki soch kya hai, aap chahte kya hai और आपने किस तरह लेके चलना है। सो फॉर मी एंड नादर लव आवर रिलेशनशिप ए बिकॉज वी अंडरस्टैंड ईच अदर वेरी वेल, वी ट्रस्ट ईच अदर, वी हमारी रिलेशनशिप ऐसी है कि हमने कभी किसी चीज़ को हावी नहीं किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई डिमांड्स नहीं है कि ये मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, it was it's very understanding ki okay if Nadir is busy at work, he's busy at work, kyun nahi aaye tum, means main tumhara khane ka wait kar rahi thi ya main ye kar rahi thi ya main wo kar rahi thi, no Nadir I'm at shoot, meri shoot 10 baje se leke 11 baje tak ja rahi hai, it's okay, it is about understanding, agar aap apne partner ko understand karoge, wo thodi si space doge, wo ulta aapko 10 guna pyar ke sath return mein dega, and that's what you want end of the day, okay. Right? So slow down and demands jo hai itni nahi honi chahiye and compromise is very important, okay. Dekhiye aap apne ek sibling ke sath puri zindagi rehte ho, theek hai, aapki usse nahi banti hai, bilkul hansi khushi ladaiyan unse bhi hoti hai, ये एक रिश्ते हैं, आपके दोस्तों से हंसी खुशी लड़ाई होती है, आपके माँ बाप से हंसी खुशी लड़ाई होती है, तो पार्टनर तो आप 24 घंटे साथ रह रहे हो, राइट, सो ऑफ कोर्स देयर विल बी हर्डल्स, इट्स जस्ट दैट कि आपने उसको पार किस तरह करना है, ये नहीं कि मेरी नादर की कभी लड़ाई नहीं हुई है, डेफिनेटली हुई है, बट इट हैज़ नेवर गॉन टू दैट लेवल दैट वी हैव डिसरिस्पेक्टेड ईच अदर, वी हैव डिसरिस्पेक्टेड, बाउंड्रीज हमें कभी क्रॉस नहीं की है, आई कॉन्ट से कि ओह मैं तो मोमेंट शेक हूँ, या यू नो लाइक तुम क्या चीज़ हो, या यू नो लाइक एनी वे आई कैन नॉट, ही इज़ माई हजबेंड, आई नीड टू कॉम्प्रोमाइज, जिस कल्चर में हम रह रहे हैं उतना मुझे करना है, नो मैटर वॉट, ठीक है, मैं वो करती हूँ, मुझे 10 गुना ज़्यादा मिलता है उसकी तरफ से, मेरा मुकाम आज कहाँ है वो उसकी वजह से है, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज किया, right, and I'm sure he's also done, he's also, and he's also compromising, yeah, he's also supported you, he's supporting, he's supporting me, you know, hum bacche ek sath paal rahe hain, ye wo usne ye nahi thopa hua, ye sirf maa ki job hai aur ye maa hi karegi, nahi uski bhi job hai, but there are days and times when he's not available and he's busy with his work, so I make sure that the kids understand that, okay, and it's vice versa, okay, right, yeah, yeah, so it is, it's a beautiful relationship, इट्स जस्ट दैट के अपने ईगो और अपने आप को अगर आप साइड पे रख लो और दो लोग मिल के इस चीज़ को मोहब्बत के साथ ले चलो तो इट्स अ गेम चेंजर, इट्स अ गेम चेंजर, डिफ़िकल्टीज़ मुश्किल हर किसी की ज़िंदगी में है, हर बंदा अपनी एक मुश्किल ज़िंदगी और वक्त के साथ गुजर रहा है, और उस ये नहीं कि कम ज़्यादा कम ज़्यादा, उसके लिए ज़्यादा ही है जिसके ऊपर गुजरती है, जिसके ऊपर से गुजर रही है, उसके बेशक वो इस बात पे रो रहा हो कि मेरे पास आज इतना नहीं है जितना होना चाहिए,
ठीक है, तो उसके ऊपर गुजर रही है, या मेरी माँ बाप बीमार हैं, या कोई भी चीज़ होती है, या मेरा बच्चा है, या मेरी चीज़ें हैं, या मुझे कोई इतनी अहमियत नहीं देता, या मैं बहुत शाय हूँ, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस से गुजर रहा हूँ, यू नो लाइक कि नहीं है हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस. सो हर किसी की कोई ना कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज ये ज़िंदगी है और ये इम्तिहान है एंड ऑफ द डे, एंड अल्लाह ने डाली हुई है हर किसी की ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम्स, इसलिए क्योंकि वो देखना चाहते हैं वो इनसे निकलेंगे कैसे. यही तो इम्तिहान है हमारा. सही बात है. तो हम अगर अपने पार्टनर्स को, अपने लोगों को समझना शुरू कर देंगे, तो हम अपने आप को उस तरह बेहतर तरीके से लेके चल सकेंगे. हम अपने आप में नहीं रहेंगे, मैं हूँ, मैं काटनी चाहिए, मैं चले जाएगा, वो भी तो है. हम क्यों कहते हैं कि हम नीचे को देखें ना कि हम ऊपर को देखें. हम ऊपर देखें, हम ड्रीम्स देखें, हम कोशिश करें, हम पैशनेट हो, बट हम वो देख के नहीं हो सकते यार उसके पास तो ये बैग है, मेरे पास क्यों नहीं है. यार जिसके पास नहीं है उसके पास खाने के पैसे नहीं है, तो तुम्हें तो अल्लाह ने किस किस चीज़ से नवाजा है, तुम्हें तो उसको भी देना है, उसको भी संभालना है. ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें इसलिए दिया है ज़्यादा, राइट. तो ज़िंदगी को अगर हम उस हिसाब से समझ लें, और बहुत ही खूबसूरत रिलीजन है हमारा, उसको अगर हम उस हिसाब से समझ के लेके चलें, तो ज़िंदगी तो बहुत खूबसूरत है और बहुत आसान है. आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट, आई एम गोइंग फॉर थेरेपीज दीज डेज, बहुत मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन ये मेरा बिलीव बहुत स्ट्रांग है. I'm seeking for help, but he's helping me too. Of course. So yeah. Two things will make it work, and inshallah, I will come out of it. Right? Okay. So it is like that. Yeah. बस हम ये देखें यार, उससे बात करें, जिस तरह बात करें, चीज़ें करें, उसको एक थोड़ी सी लेवरेज दे दें. वो भी तो किसी ना किसी चीज़ के गुजर रहा होगा. वो बोलती नहीं है, वो जाहिर नहीं करती. उस स्माइल के पीछे क्या है हमें क्या पता. हम सब दो जिंदगियाँ जी रहे होते हैं, ये मेरा सोचना है. क्योंकि मैं जीती हूँ, मैं जो हूँ अपने आप के साथ, वो मैं वो नहीं हूँ जो मैं दुनिया के साथ हूँ. राइट. बिल्कुल. जो आप एक अपने थॉट्स में जाते हो, अपने आप से बात करते हो, या अपने आप से डिस्कस करते हो, वो आप कभी ऐसे नहीं नजर आएगा, ऐसे नहीं नजर आता. राइट. इस चीज़ को सीख लें, इस चीज़ को समझ लें, जिंदगी बहुत आसान है. और इम्तिहान तो आते ही रहेंगे जिंदगी में. तो गम है, खुशियाँ हैं, चीज़ें हैं, हर्डल्स हैं. That's what life is all about. And think about the life after this. Yes. Right? As many as points as we can take with us. तो जो अभी गुजर रहा है उसके तो पता नहीं multiply by 100 मिलेगा. फिर तो life set है हमारी. Therapy. आसान था जाना, ये decision लेना. बिल्कुल आसान नहीं था. हमारे यहाँ तो बहुत taboo है और डर भी लगता है. मुझे लगता है डर भी लग रहा होता है आपको कि लोग label करेंगे और अपनी एक साइड दिखानी पड़ेगी. बहुत से फियर्स होते हैं. आपके जहन में क्या चल रहा था, एंड व्हाट पुश्ड यू? आई डोंट वांट टू आस्क यू कि आप किस चीज़ के लिए गई वो. एब्सोल्युटली. तो बेसिकली राबिया, मेरा ये सोचना था कि मैं अपने आप को खुद ही फिक्स कर सकती हूँ. आई एम अ स्ट्रांग वो person. इसीलिए पूछा, बिकॉज हम में से मोस्टली यही सोचते हैं. बट नाउ व्हाट हैपेंस इज डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी इज समथिंग. छोटे टाइम के लिए तो वो चली जाएगी, पर जब वो वापस आएगी, क्योंकि वो भर रहा है, एक बकेट है, वो भर रहा है, ठीक है, तो वो जब दोबारा आएगा तो वो एक बड़े उसमें आएगा. बिकॉज यू आर नॉट रिजॉल्विंग दैट. ओके. रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है. तीन चार दिन आपके उस चीज़ में गुजरे, आपने कहा मैं तो बड़ी स्ट्रांगली इसको चीज़ को कर लिया. और ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ. एंड मैंने नमाजें पढ़ी, मैंने अल्लाह को याद किया, और मेरे तो सही हो गया. Course, he's the one who has to do it for us. वही आपको direction दे रहा है कि therapy पे जाएं. But it's exactly like कि उंगली टूटी हुई है, अल्लाह मियां फिक्स कर दे, अल्लाह मियां फिक्स कर दे, खून बह रहा है, अल्लाह मियां फिक्स कर. दवाई लगानी है ना, पट्टी करनी है, हेल्प के डॉक्टर के पास जाना है ना. ये भी वही चीज़ है. ये दिखती नहीं है तो ये हम समझते नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सब दिमागी है. राइट. दिस टाइम इट वॉज दैट बैड कि ये मेरी बॉडी पे इफेक्ट हुआ. सो एंड आई थॉट I can't do this anymore. And alhamdulillah, I have lovely people around me who helped me. Who मैं बात नहीं करती हूँ अपनी problems की, अपनी चीज़ों की. I can't talk. But recently I have started talking. You have to talk. Yeah. You have to take it out. जितना भरोगे वो तो explode होना होगा. And मेरी दोस्तें हमेशा मुझे ये बोलती आ रही हैं
कि तुम नहीं बात करती, तुम अपने घर के बारे में बात नहीं करती, तुम उसके बारे में. इनका क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सब चल रहा है सही, तो उन्हें कहा कभी तो कुछ तो होता होगा, बट वो मैं उस टाइम पे उस चीज़ को निकल के बाहर निकल आती हूँ ना विद अ हैप्पी फेस. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट बिकॉज़ आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डार्क प्लेस. तो मैं नहीं बात करना चाहती. मैं अब चलो व्हाट्सअप अब क्या करने लगे, तो वो तुम्हें पीछे छोड़ा तो मैं बात क्या करूँगी. तो तीसरी शिकार जोर क्या है भाई. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to seek help if you're going through depression or mental health. It is very important and it is not easy. I'm still finding the right therapist, finding the right person for myself. Ek bahut hi difficult situation thi jispe maine kaha uff Allah kaun char phone karke char appointment aur lega. You forget it, but no, karna hai fix hona hai. Bacche hain, responsibilities hain, ammi hain, husband hain, दोस्त हैं, चीज़ें हैं. आई हैव टू बी फिक्स्ड फॉर माई सेल्फ, फॉर माई पीस, फॉर माई बॉडी. अब मैंने कहा ना जब मेरी बॉडी में लाइक फिर आपका क्या है कि अब वो आपके हिट होता है आपके लाइक कोई चीज़ आपके नीज़ में दर्द हो रहा है, आपके बैक प्रॉब्लम हो रही है, आपको माइग्रेन प्रॉब्लम हो रही है, आपके जॉइंट्स प्रॉब्लम हो रही है. इट इज़ अफेक्टिंग योर बॉडी नाउ बिकॉज यू आर नॉट रिजॉल्विंग इट. आप रियलाइज बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूँ. मैंने तो कभी सोचा नहीं ऐसे. यस, कि आप कभी सोचेंगे भी नहीं कि ये क्या हुआ, क्योंकि जो मैंने कहा मुझे क्या हो रहा है. एंड आई किड यू नॉट राबिया, जिंदगी में सब सही चल रहा है, बट मैं क्यों रो रही हूँ, मुझे रोना क्यों आ रहा है. अनरिजॉल्व्ड इश्यूज दैट आई हैव नॉट इवन स्पोकन अबाउट इट टू माई सेल्फ, गेट अबाउट स्पीकिंग टू अदर्स. और मुझे ये भी लगता है जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी आपकी ज़िंदगी में हुई हो जिससे आप सोचेंगे ओ कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाए तो तब हम बिल्कुल ढह जाएंगे तो हमें थेरेपी में जाए. नहीं, आजकल मुझे लगता है जैसे यू सेड अनरिजॉल्व्ड इश्यूज होते हैं, फिर कोई छोटी सी चीज़ आती है तो वो ट्रिगर करती है. तो अगर कभी भी आपको लग रहा है तो देन यू शुड सीक थेरेपी एंड नॉट रिजिस्ट इट. एंड नॉट रिजिस्ट प्लीज डू नॉट रिजिस्ट. दिस इज वेरी 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 इम्पॉर्टेंट. एंड ये अगर हम कहते हैं कि बाकी सारी बीमारियाँ भी इम्पॉर्टेंट हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट. बिल्कुल. तो योर मदर वॉज अ सिंगल मदर. यस. एट सम पॉइंट इन टाइम उसने कैसे शेप किया आपकी पर्सनैलिटी को ग्रो अप करते हुए? क्या आपकी चीज़ों को अफेक्ट किया, आपको कैसे अफेक्ट किया? राबिया, जैसे मैंने पहले बताया कि मेरा एक मेमोरी प्रॉब्लम है, एंड आई एम ग्लैड कि मुझे मेमोरी प्रॉब्लम है, बिकॉज मुझे नहीं जाना उस सोच में, उन यादों में. तो बात करनी है आपने, यू वांट टू टॉक अबाउट दैट? या वेल, व्हाटएवर आई रिमेंबर, द गुड थिंग दैट मी एंड शहजाद हैव लर्न्ड, आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, शी हैज मेड अस अ स्ट्रॉन्ग पर्सन. कि कुछ भी हो जाए जिंदगी में, आपने ज़िंदगी लेके चलनी है. ठीक है, राइट. कभी ये नहीं हुआ कि उसको देख लिया उसके पास ज़्यादा है, उसके पास कम है, उसके पास दाल रोटी है, दाल रोटी भी सही. देर आर टाइम्स एंड डेज दैट वी डिडंट इवन हैव 100 रुपीज़ के हम दूध और अंडे ले सकें और ब्रेड. ये तीन चीज़ें जो कि एक नाश्ता हो जाए या एक खाना हो जाए या एक चाय पी सकें. खाना तो बहुत दूर की बात है. कि ये 100 रुपये तो चाहिए हमें कि हम अंडे डबल रोटी. देयर वर डेज, मंथ्स एंड इयर्स, वी वर स्टेप्ड आउट ऑफ आवर क्लासरूम्स एंड क्या हो गया. एंड मी एंड शहजाद थिंकिंग, हमने कोई बदतमीज़ी नहीं की, कोई बुरी हरकत नहीं की. एंड बाद में पता चलता था कि ओ स्कूल फीस नहीं पे की थी, यू नो. सो ज़िंदगी में बहुत कुछ बहुत जल्दी देख लिया और उस चीज़ ने हमें बहुत स्ट्रांग बना दिया. एंड अम्मी ने कभी भी हमें रोने नहीं दिया कि यू नो लाइक ओ मैं उस डिप्रेशन में नहीं गई या शहजाद उस डिप्रेशन में नहीं गया कि उफ हमें दोस्तों ने देखा हम बाहर खड़े हुए थे. हमने उसको हेड ऑन जाके समझाया प्रॉब्लम को. सेल्फ पिटी में नहीं गए कभी. अम्मी ने मेक श्योर किया, देयर वाज नोबडी टू हेल्प अस आउट, नो वन. Lot of people could have. तीन, आप लोग तीन थे, triangle था. एक triangle था, एक triangle था. And बहुत कम उम्र में उन्होंने हमें बता दिया ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है, ये है घर की चाबी, ये है गाड़ी की चाबी. अब आपके ऊपर है, मैंने अकेले पाला है आप लोगों को, अब मेरी इज्जत आप लोगों के ऊपर है,
जो कुछ करोगे तुम पे नहीं आएगा, मुझ पे आएगा. सिंगल मदर ने कैसे पाला, बहुत जल्दी समझा दिया. और ने करना भी है, चलो जाओ एक्सपीरियंस कर लो, ये होता है. यहाँ चलोगे तो ये होगा. रोक टोक है नहीं, जो करना है करो, जो करियर चूज़ करना है, जो कॉलेज चूज़ करना है, जो चीज़ें चूज़ करनी है, सब टू यू. सो हमने अम्मी को देखा है, हमने अम्मी को देखा है कोर्ट जाते हुए, हमने अम्मी को देखा है टैक्सी के पैसे ना होना. एक तो सब कुछ लाहौर में होता था तो वो टिकट के पैसे जमा करके वहाँ तक पहुँचना, उन चीज़ों में वो हमें बाबा के पास भेज देती थी कि जो आपने बाप से मिलो. एंड यू नो ही वॉज मैरिड एंड द अदर गर्ल द वुमन नेवर वॉन्टेड अस टू बी पार्ट ऑफ द फैमिली. शी नेवर यूज टू लेट अस इन द हाउस. हम लोग बाहर ही बैठते थे वरांडे पे. खेल मैं तो खेल रही होती थी, मैं तो बहुत छोटी होती थी, कि जब तक बाबा शूट पे नहीं आएंगे हम अंदर नहीं जा सकते. तो ये वक्त भी देखा है हमने. सो जैसे शुरू में आप बता रही थी ना कि बहुत ही अच्छा लगता है कि एक बड़ा नाम अटैच्ड है, तो हमें तो प्रिविलेजेस मिलेंगी एंड ये होगा. ये तो सिर्फ दिखने में और सुनने में ही अच्छा दिखता है, अंदर और पीछे तो बहुत कुछ हुआ है. तो अम्मी की स्ट्रगल्स, अम्मी की चीज़ें, अम्मी ने कुछ छुपाया नहीं, अम्मी ने हमें दिखाया है. देखो अब मैं जा रही हूँ. अम्मी ने काफ़ी ड्रामों में काम किया बिकॉज देयर वर टाइम्स व्हेन बाबा डिडंट हैव मनी. अगर उनकी फिल्म फ्लॉप हो रही है या उनके पास काम नहीं है या जो भी है, जिंदगी स्ट्रेट लाइन में तो नहीं चलती. नहीं बिल्कुल, राइट. बट ही वाज वी वाज सपोज्ड टू गिव अस मनी मंथली एंड देयर वर मंथ्स जब नहीं थे उनके पास. नहीं थे पैसे. अम्मी हैड टू स्टेप आउट एंड वर्क. एंड अम्मी को नहीं आता था काम करना. उनको डांटे पिटती थी, उनको डायलॉग्स नहीं याद होते थे. वी हैव सीन इट बट शी स्टिल डिड इट फॉर अस. शी डिडंट रीमैरी. शी वांटेड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन अस. रात को भी अगर हम लेट नाइट अगर मेहंदियाँ लगा के आ रहे, नहीं मेरे बच्चे जाएंगे, लाइटें देखे के मेहंदियाँ लगाएंगे, चूड़ियाँ पहनेंगे, सब कुछ करेंगे. लाइक ऐसा अम्मी वॉज सो स्ट्रॉन्ग एंड उसी तरह हमें स्ट्रॉन्ग बनाया उन्होंने. सो आई तो डेडिकेट माई एंटायर लाइफ फॉर हर. वो आज उठ के जो भी बोलती हैं, जो भी करती हैं, सर आँखों पे. इट्स लाइक बहस भी करती हूँ, ये नहीं कि अच्छा मैं कोई सती सावित्री नहीं, कोई बेटी हूँ, बट एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज फॉर हर बिकॉज शी हैज़ गिवन आर हर लाइफ टू अस. अगर आप देखो एक बिगर पिक्चर, वो जवान थी, वो खूबसूरत थी, वो हसीन थी, अपनी जिंदगी कंटिन्यू अपनी जिंदगी कंटिन्यू कर सकती थी. बट उन्होंने लेकिन हम पे डेडिकेट किया, राइट. एंड नो वन कैन अंडरस्टैंड दिस बेटर देन अस. आई टोटली अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट यू गाइस फॉर दैट. एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस. क्योंकि मेरे सवाल का दूसरा पार्ट ये था कि खैर चलें अभी हम दो तीन बात और करते हैं, फिर मैं उस सवाल पे आती हूँ. एंड द रीज़न आई आस्क दिस क्वेश्चन इज़ कि जो लोग सुन रहे हैं उन्हें हिम्मत पड़े, क्योंकि ये केसेस हिम्मत पड़े बहुत लोग कर रहे हैं. वो औरतें जो इस वक्त अकेले अपने बच्चों करी, उनके लिए आप एक इंस्पिरेशन होगी कि देखो मेरे बच्चे भी इसी तरह कामयाब और इस्टेब्लिश हो सकते हैं और हिम्मत मुझे नहीं हारनी है. और बच्चे जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं वो हिम्मत ले सकते हैं आपसे. तो इसलिए मैं ये पूछती हूँ, तो अब्बू से कभी बाबा के अगेंस्ट आपको बिटरनेस नहीं फील हुई कि उन्होंने ये किया, हमें छोड़ के चले गए एंड ऑल दैट? और हाउ डिड यू मैनेज ये समझना कि एक इंसान की भी अपनी ज़िंदगी है? क्या जहन में चल रहा था आपके? अच्छा, मैं इतनी कोई समझदार नहीं थी. मेरा हमेशा से ये गोल था कि बाबा को घर वापस लेके आना है. एंड अम्मी ने इतना पुश किया हुआ था बाबा 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 बाबा. तो मेरे ख्याल से मेरी क्या फीलिंग्स थी बाप के लिए वो तो कहीं और होंगी, बट मेरे लिए मिशन ये बन गया कि अम्मी वॉन्ट्स मी टू ब्रिंग बाबा बैक होम बिकॉज फैमिली तो चार की होती है. एंड आई वॉन्ट माई फादर बैक होम. फैमिली चाहिए, हर बच्चे की ख्वाहिश, हर बच्चे की ख्वाहिश होती है. बिल्कुल नहीं, बट मेरी क्या ख्वाहिश थी कि मेरी बर्थडे पे, इस बर्थडे पे बाबा नहीं थे, वो दबते गया कहीं, राइट. या बाबा को इस टाइम पे यहाँ पे होना चाहिए था, या मैं इस दुख में थी तो मैं बाबा को फ़ोन कर सकती थी, बट मेरे में वो हिम्मत नहीं थी उस वक्त फ़ोन करने की, या वो एक रिलेशनशिप रखना, तो वो एक अलग चीज़ थी और ये एक बैटल अलग था. सो माय कंसंट्रेशन वाज ओवरऑल ओवर हियर कि दिस इज़ व्हाट आई हैव टू फोकस ऑन, ओके, राइट. सो
ऑफकोर्स क्योंकि आप इंसान हो तो आपको उस चीज़ पे वो तो होता है कि दुख होता है कि ये क्यों नहीं था या ये क्यों नहीं है, बट उसी चीज़ से एक सुकून मिलता है कि अल्लाह आपको फिर यूँ भी दिखाता है 27 years of our struggle and look at where we are right now. Happy, alhamdulillah, shadi shuda dono mere, main aur Shahzad. We have two beautiful children of our own. To establishing career hai. Jo banda, jo main kehti hoon ke wo us waqt jo 100 rupaye nahi the na Rabia, us 100 rupaye se I still like, main paiso ko value nahi deti hoon. Ya main save nahi karti hoon, ya main kuch nahi karti hoon. Kyunki mujhe ye hai ki आज है कल नहीं है, और जब कल नहीं भी होगा तो उसमें भी जीना सीखना चाहिए. अपने बच्चों को इतना करो उनके लिए कि उनकी लाइफ सेट हो सके, बट इतना भी ना कर दो कि अपने आप को भी भूलो, राइट? तो वो खुशियों में, उन चीज़ों में अगर कोई खुश हो रहा है इस चीज़ में तो उस में आप शामिल हो सकते हो, राइट? एंड वो दिखाता है, देर है अंधेर नहीं है ये बात तो हमारी देखी हुई है 27 ईयर्स, एंड उन्होंने यूं पलटा है हमारी ज़िंदगी को, लाइक लिटरली आई कैन डू नॉट. आप क्या एडवाइस करेंगी जो बच्चे इस वक्त इस सिचुएशन में हैं कि वो क्या सोचें और वो क्या करें और हाउ कैन उनका जर्नी थोड़ा सा बेहतर हो सकता है या आसान हो सकता है? अगेन, बोलने से अगर ज़िंदगी किसी की सुधर जाए तो काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि जिस पे बीत रही होती है ना वही जानता है. एंड आई कैन ओनली एडवाइस द किड्स जिनके घर में ये प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हर घर में कोई नई प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल राइट, कोई दूसरी ही प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल कहीं माँ बाप लड़ रहे होंगे, कोई फैमिली इश्यूज होंगे या कुछ भी हो सकता है. तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कैसे एडवाइस कर पाऊँगी? सो ऑल आई कैन से इज़ believe in Allah, be strong, and this life is all about fighting, and jab aap nikloge is battle se, he has million things ahead waiting for you. So is baat ko hum samajh le sirf. Ab ye ek sawal hai jo mera aata hai. 27 years bada lamba time hai, bahut lamba time hai. इतनी स्ट्रगल को फेस करना, चैलेंजेस को फेस करना, मतलब अगर आप मुझे कह रही हैं कि राबिया, मैं अगर अपने आप को कि तुम 27 साल इंतज़ार करो उसके बाद चीज़ें सही हो जाएंगी, तो मैं मुझे समझ नहीं आएगी शायद. तो लेकिन जब 27 साल बाद आप इस जर्नी पे पहुँची, इस मुकाम पे पहुँची हैं, तो क्या दर्द ख़त्म हो जाती है? क्या वो जो स्ट्रगल का पीरियड होता है उसका दुख कम हो जाता है? क्या एक सकून आ जाता है, या शिकवे कहीं ना कहीं फिर भी रह जाते हैं, रिग्रेट्स रह भी जाते हैं कि क्यों हुआ ये सवाल चला जाता है या रहता है? नहीं, कभी जाएगा तो नहीं, ऑफ कोर्स, बिकॉज़ वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, राइट? एंड क्योंकि जैसे आपकी अच्छी मेमोरीज़ आपके पास होती हैं और आप उनको याद करते हो और आप उनको डिस्कस करते हो, उसी तरह आपकी बुरी मेमोरीज़ भी होती हैं जो कभी आप डिस्कस नहीं कर पाते हो, बट वो आपके दिमाग में आपके सवाल क्रिएट कर रही होती है. सो मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि हम इंसान हैं, तो डेफिनेटली वो वापस आएगा, बट उसको टैकल किस तरह करना है वो आपके ऊपर है. ओके, अब आपने उसमें अपने बच्चों में खुशी ढूंढनी है कि अल्लाह ने ये दिए हैं, आओ चलो वो नहीं सही तो ये सही. ट्रू, ये आपने अब ये पते की बात बोली. हाँ, तो अगर अल्लाह ने दिया है अब उस पे कर लो, या जो जो चला, जो चला गया उस पे कर लो, उस पे रोते रहो, तो वो तो आपके ऊपर है. वो तो आपके ऊपर है, क्योंकि वो देता जरूर है. चलें, आपने बहुत उम्मीद दी है मुझे भी और बहुत से लोगों को भी आए थे इंशाल्लाह, जो भी जिंदगी में किसी भी चैलेंज से गुजर रहे हैं. और मैं आपको ये बताऊँ कि अगर नहीं भी दें इस जिंदगी में, इस जिंदगी के बाद हमसे भी ज्यादा देंगे. लेकिन मुझे लगता है देता है, बिल्कुल देता है, वो तो खैर दुनिया में ही दिखा देता है. बिल्कुल दुनिया में ही दिखा देते हैं कि देखो ये मैं हूँ, ये कैसे नहीं हो सकता,
मैं तो लम्बे से बात करती हूँ ना कि अच्छा बातें, हाँ मैं बातें करती हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, अच्छा कि मैं ये करूँगी लम्बे तो फिर मुझे टू पॉइंट्स मिलके मुझे ये हो जाएगा, फिर लम्बे में तो मेरी चलती रहती है उनके साथ, यू नो। और मेरे ख्याल से हर किसी की रिलेशनशिप है अल्लाह से, बिल्कुल बिल्कुल, और होनी चाहिए, और होनी चाहिए। वो तो कहते हैं ना मुझे पुकारो, मुझे एक बार पुकारो मैं तो 10 कदम आगे बढ़ाऊंगा, बिल्कुल एक कदम बढ़ाओ मैं तो 10 बार तुम लोग के पास आऊंगा, सुनूंगा, मांगो तो सही मुझसे, वो वाली कहानी। आपने एक जगह कहा मैं कामयाब हो गई बाबा को वापस लाने के लिए, तो वो क्या कहानी है अगर आप शेयर करना चाहें तो? कामयाब हो गई इन अ वे दैट बिकॉज एक था फोकस कि अच्छा मुझे फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आ गई, राइट। तो इट वाज लाइक मुझे बाबा वापस चाहिए, वापस चाहिए, वापस घर आए, एक फैमिली के तौर पे हम रहें, हम चारों। जो सोचा वो हुआ, जो मांगा उन्होंने दिया, राइट। अब आगे उसके क्या, वो तो अब ये तो नहीं है ना कि आपको प्लेट में सब कुछ मिल जाए तो फिर तो जिंदगी क्या जिंदगी होगी, राइट। बट अल्लाह का शुक्र है माय मदर इज़ हैप्पी, माय ब्रदर इज़ हैप्पी, देयर लिव, क्योंकि मैं तो अब नहीं हूँ उस घर में, सिक्स मंथ्स, क्योंकि हुआ भी ये था कि बाबा को से मैंने शर्त रखी थी कि शादी तभी करूँगी जब आप वापस आएंगे, दैट वाज माय परफेक्ट टाइमिंग। सही, आपको पता था क्या? हाँ, मैंने कहा यू हैव टू कम बैक, रुखसत तो मैं उसी घर में सारों के साथ होंगी, अदरवाइज आई डोंट वांट टू गेट मैरिड। जब ये हुआ सो ऑफ कोर्स उन्होंने भी सोचा एंड ही थॉट दैट प्रॉब्ली दिस इज द राइट टाइम, राइट, एंड ही केम बैक एंड उसके 6 महीने बाद मेरी शादी हो गई तो मैं तो चली गई तो वो लोग जो है एंजॉय करें, नहीं लेकिन मैं जाती हूँ घर एंजॉय करने और करवाने। बट या एक जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मुझे सवाल होता है, हाउ डू यू बैलेंस फीलिंग्स जब पेरेंट्स स्प्लिट होते हैं, क्योंकि अम्मी की इतनी स्ट्रगल आपने देखी होती है, नेचुरली उनकी तरफ आप ज़्यादा टेंडेंसी होगी आपकी जाने की, राइट। लेकिन बाबा भी बाबा हैं, शिकवे भी हों, फिर भी मोहब्बत नहीं ख़त्म हो सकती मुझे लगता है, लेकिन बैलेंस कैसे करते हैं उस? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी ईजी इन अ वे दैट ये रिलेशनशिप ही ऐसा है, ठीक है। एंड माँ बाप को इज्जत देनी है, मोहब्बत करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, ये तो करना ही करना है ना, चाहे माँ बाप में आपस में नहीं बन रही, राइट। तो मैं अम्मी को काफ़ी दफ़ा बोलती भी हूँ कि अगर अम्मी का कुछ हो रहा होता है या बाबा का कुछ हो रहा होता है तो दैट्स योर प्रॉब्लम, अब हमें समझ में आई, अब आप लोग खुद डील करें, आई डोंट वांट टू बी इन्वॉल्व इन इट बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि मैं आपसे उनकी बात सुनूँ मैं नहीं सुन पाऊँगी या मैं उनकी बात आपसे सुनूँ वो भी मैं नहीं सुन पाऊँगी। सो गुस्सा है ना, हाँ मेरे घर में भी होता है, मैं भी नादा के बारे में बोलती हूँ, बट मैं बच्चों को तो नहीं जाके बोल रही होती ना, ये उसके माँ बाप को या आप लोगों को तो नहीं बोल रही थी, वी सॉल्व आर प्रॉब्लम्स बिहाइंड द डोर्स, सो यू गाइज डू द सेम सो दैट डोंट टेल अस। और अल्हम्दुलिल्लाह ना माँ ने कहा है ना बाप ने कहा है पिक अ साइड और डू दिस, अम्मी ने तो हमें, वाई एम वी आर क्लोज टू बाबा इज बिकॉज शी पुश्ड अस, वो हर जून जुलाई की छुट्टियों में, दिसंबर की छुट्टियों में हमें लाहौर भेज देती थी। ये बड़ा हौसले का काम होता है मुझे लगता है, बहुत हौसले का काम है। व्हाई आर वी क्लोज टू आवर फैमिली लाइक ददियाल से इज बिकॉज अम्मी, शी पुश्ड अस, शी पुश्ड अस। अगर वो नहीं पुश करती, अगर नहीं हम मिलते और हम कभी कभार सिर्फ मिला करते तो शायद फीलिंग्स डिफरेंट होती, शायद ये होता कि एक दूर से बंदे को सलाम दुआ करके आप आ गए हो, एक मील खा के आ गए हो, एंड दैट्स इट, तो रिलेशनशिप डिफरेंट होती, राइट। इट वॉज अम्मी अगेन, देखें आप के उन्होंने ही बिल्कुल इस रिलेशनशिप को बनाया, उसको मेक श्योर किया, मेक श्योर किया, सो शी ट्राइड कि इनकी जिंदगी में कमी ना हो किसी चीज़ की, शी ट्राइड के इनको समझ रहे कि ये भी है इनके पास, ये भी है, ये रिश्तेदार भी है, अगर ननियाल है तो ददियाल भी है, पुप्पे पुप्पीज भी हैं, चाचाज भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, अगर खाला और मामू हैं तो, राइट। सो इट वाज हर, थैंक यू सो मच मोमल, आपने अपना जर्नी शेयर किया और इतनी पर्सनल बातें शेयर की, और मैंने पहले पूछ लिया था सब कुछ कि आप डॉक्टर बात करेंगे, नो नो इफ़ यू आर ओके, एंड एज आई सेड अगेन, मैं
मैं बीच में क्वेश्चन करने लगी थी मोमल कि मैं जो पूछती हूँ सवाल कहीं मैं कोई बहुत सेंसेशनल बातें तो नहीं शुरू कर दी है मैंने, क्योंकि आपको भी क्वेश्चन करना होता है। लेकिन यकीन मानिए मेरे पास अभी रिसेंटली एक दो जगह मैं बाहर गई और लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हमें अच्छा लगता है जो आप सवाल पूछती हैं, तो फिर मुझे थोड़ी हिम्मत बढ़ी कि अच्छा, बिकॉज मैं कभी भी ये नहीं चाहती, ना ही फ्यूशिया में कोई भी, हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि हम कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं करें कि हम फॉर द सेक ऑफ व्यूज या क्लिक्स करें। जो पूछते भी हैं वो इसलिए कि मुझे लगता है जब ऐसी कहानियाँ शेयर करते हैं तो लोगों को हिम्मत पड़ती, मैं हिम्मत ले रही हूँ आपसे, मैंने आपसे बहुत चीज़ें पिक की हैं और ये इतनी खूबसूरत कहानी और जर्नी आपकी मदर की और आपकी एज अ फैमिली, जो मुझे लगता है जो इस वक्त सिचुएशन में होंगे वो लोग सीखेंगे बहुत सी सिंगल मदर्स, अगर वो डिबेट कर रही हैं कि बच्चों को बाप से मिलने दें या नहीं मिलने दें, आई थिंक शायद आपकी बात सुन के वो अपने आप को पीछे रख के बच्चों और बाप की रिलेशनशिप को सोचें। इफ शी थिंक्स इट इज गुड फॉर दैट गुड फॉर देम ऑफ कोर्स, इफ इट्स नॉट गुड फॉर देम देन मां की उससे कोई बेहतर अच्छी चीज है ही नहीं, राइट? लेकिन ये कि अपने जज्बात में, एंड इट इज वाइस वर्सा, लाइक इट कुड बी अ फादर एज वेल, राइट? कि फादर भी तो पाल रहा होगा कि अगर मां नहीं होगी तो इट कुड बी either side, right? बिल्कुल. And we want so, to. So ये reason होता है इस तरह की तमाम सवाल पूछने का. बिल्कुल. कि अगर हम किसी की help हो जाए, किसी को कोई चीज पता चल जाए, and हम भी पहले मैं नहीं करती थी इस चीज में बारे में बात, and I used to be very like not vocal about it. But मेरी वजह से या मेरी story से या मेरी किसी किस्से से किसी को भी awareness भी मिल जाए. बिल्कुल, बिल्कुल. तो मेरे लिए तो बहुत है। और मुझे लगता है मोमल ये भी होता है, आई एम श्योर, हम क्यों पढ़ते हैं मोटिवेशनल कोट्स या हम क्यों सुनते हैं जे शेट्टी को या किसी यासीन मुजाहिद को, किसी को भी, exactly. क्योंकि हमें लगता है ओ अच्छा इन लोगों ने दे हैव गॉन थ्रू दिस, ये सर्वाइव कर गए तो हम भी कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सी चीज़ होती है, जब इतने लोग आपको आपकी इज्जत करते हैं, आपको मोहब्बत करते हैं, तो फिर उनके लिए आपकी कहानी इंस्पिरेशनल होगी। तो इसलिए पूछती हूँ। दरार बड़ा अच्छा चल रहा है, थैंक यू। आई हैव टू एडमिट, आई सेंट हर अ वॉइस नोट ऑल्सो कि मुझे बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग लगा। थैंक यू, यस। कि हम बड़े अरसे से वो नहीं रोती 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 सिंपल, ये तो जी आ गई, बाल शॉर्ट और अदाएं, हाँ। सो आई एंड यू आर प्लेइंग इट वेरी सटल, और शहरज़ाद को भी क्रेडिट जाता है फॉर डायरेक्शन एंड राइटर एंड एवरीबॉडी द होल टीम, बट आई वांट टू गिव अ शाउट आउट आपके सामने, आपकी तारीफ कर रही हूँ कि मुझे बहुत मजा आया। एंड राबिया इट रियली मींस अ लॉट बिकॉज आई टेक यू के मुझे एक कोई क्रिटिक भी पता चल जाए ना तो मेरे लिए अच्छा ही होगा, सो दैट यू नो लाइक आगे जाके आई कैन फिक्स दैट, राइट? And you are so experienced. That is the reality. मैं वीकेंड पे संडे को सुबह बैठ जाती हूँ अक्सर कि अब ये 5 मेरे ड्रामे हैं मैं देखूंगी, यू नो, काम है तो काम है, काम है तो और बट मुझे अच्छा लगा, मुझे बड़ा परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी लगी। एंड यू नो नेगेटिव कैरेक्टर्स या जो कैरेक्टर्स थोड़े ज़्यादा ग्रे से ब्लैक की तरफ जा रहे होते हैं उनमें हमेशा ये होता है यार ये बड़े टिपिकल हो जाते हैं, आपका दिल नहीं चाहता उनको देखने के लिए, बट आपका वो कैरेक्टर जो इंटरेस्टिंग है वी वॉन्ट टू सी कि ये अब करेगी क्या या करेगी। तो वो व्हाट मेड यू से यस टू दिस बिकॉज इट्स अ बिट रिस्की, राइट? So yes, Shahrazad came up with this and पहले से ही जब मैंने दिले मोमिन ख़त्म किया था तो मैंने कहा अब मुझे नेगेटिव रोल करना है। okay, अच्छा, ये मेरे जहन में था okay, कि करना है, अब करना है तो क्या मैं जाके तो नहीं किसी को बोल सकती मुझे नेगेटिव रोल, सो जो भी आएगा मैं ले लूँगी, यू नो, आई एम नॉट गोना से नो। सो व्हेन एंड Shahrazad के साथ दिले मोमिन किया था उसको ये बात पता थी, सो व्हेन शी केम एंड आई वाज सपोज्ड टू डू ये हम टीवी का रमजान शो, ओके, सारा खान वाला रोल, सो या तो जब वो बिकॉज मेरी ट्रैवलिंग की वजह से नहीं हो पाया, तो जब मैं आई वापस एंड वो शुरू हो चुका था तो मैंने महेश भाई को बोला मैं आ रही हूँ, उन्होंने कहा कि नहीं अब तो तुम बहुत लेट हो जाएगा, उसने कहा अच्छा चलिए ठीक है, फिर मैं क्या करूँ क्योंकि वो ट्रैवलिंग भी कमिटेड थी पहले से एंड इट वॉज वर्क ट्रैवलिंग, सो वो थोड़ा सा हमारा डेट्स का मसला हो गया। फिर वापस मैं जब आई तो Shahrazad ने कहा तुम कर रही हो फिर वो वाला रमज़ान, अजिक नहीं वो डेट्स का प्रॉब्लम हो रहा है, उसने कहा हाँ मेरा भी थोड़ा सा आगे हो गया, यू वांट टू डू दिस, इट्स नेगेटिव, दैट्स व्हाट यू वांटेड टू डू, अजिक लेट्स डू इट, सेंड द स्क्रिप्ट एंड एवरीथिंग, एंड देन आई स्पोक टू मेरी बाजी, आई स्पोक टू असद भाई, एंड देन ऑफ कोर्स अ ग्रेट टीम, ग्रेट प्रोडक्शन हाउस, देयर आर नो टू डाउट्स। सो मुझे पता है आप जवाब नहीं दे सकती इसका, नॉट रियली मे बी, बट मेरी क्यूरियोसिटी ये है कि जब सजल को पता चलेगी शही की सच्चाई तो सज्जल कैसे रिएक्ट करेगी,
आई एम क्यूरियस टू फाइंड दैट आउट बिकॉज शी इज नॉट अभी तो गेम शुरू हुआ है अभी आप देखिए ये वाकई इतनी मासूम है, उसको समझ नहीं आ रही गेम क्या चल रही है. वो वाकई वो कॉफी पे जो एक्सक्यूज दिए शहीद ने वो मान गई है और शी नोज व्हाट्स गोइंग ऑन. यार ये कुछ तो रिवील कर देना, कुछ भी नहीं ना 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 तो मतलब हमें एक और सिटिंग करनी पड़ेगी, एक और सिटिंग हम उसके बात करेंगे और जिब्रान और अमर के साथ. हाँ वो तो मैंने हाँ सोचा, वी हैव टू डू दैट इंशाल्लाह. ठीक है, नहीं मुझे लगा अब सजल पे हमें कोई 1.5-2 महीने बाद दोबारा बात करनी पड़ेगी. ऑफ कोर्स ड्रामा तब तक है, ऑफ कोर्स अभी तो ये कुछ बात नहीं कर रही है. हाँ और मैं भी कुछ बोलने भी वाली थी बट थैंक गॉड मैंने नहीं बोला. बट इसको हम रैप अप करते हैं इससे पहले राबिया जो है मुझसे कुछ ना कुछ निकलवा ले. ठीक है, बट थैंक यू सो मच, इतना मजा आया, थैंक यू, बहुत अच्छी गपशप लगी आपसे मिलके. जहाँ पे भी हम मिलते हैं ना इतनी अच्छी फीलिंग आती है, मजे से होती है. और अच्छा मजे की बात होती है कि कोई वो मोमेंट नहीं आता कि आप सोचे कि बात क्या करनी है. सो आई लाइक दैट काइंड ऑफ कनेक्शन एंड कंफर्ट लेवल. चलिए जी, वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, स्पेशली दरार, एंड होपफुली विल सी यू वेरी सून. इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.